हमला करो सिपाहियों, हमला करो सिपाहियों। ऐ ब्रुजा के लोगों, सुल्तान खैरुद्दीन बारब्रुजा के अहम ऐलान को सुनो। ऐ ब्रुजा के लोगों, सुल्तान खैरुद्दीन बारब्रुजा के अहम ऐलान को सुनो। समुद्र से जाने वाले काफिलों पर डाकुओं ने हमला कर दिया है और काफिले में मौजूद सारा सामान को लूट लिया है और लोगों को बंधक बना लिया है। जो भी सुल्तान के काफिले की हिफाजती इकदामात के लिए आगे आना चाहता है वह सुल्तान के महल में पेश कदमी करे। ऐ लोगों सुनो, सुल्तान का अहम ऐलान। भाइयों, क्या आपको सुल्तान के काफिले की हिफाजती इकदामात में जाना चाहिए? क्या लगता है आपको? नहीं, ये काम हम लोगों से नहीं होगा, ये काम वो चारों भाई ही कर सकते हैं। तुम फौरन जाओ और वो चारों भाई को खबर करो कि सुल्तान ने ये ऐलान किया है कि जो भी उनके काफिले की हिफाजती इकदामात में आना चाहता है वह महल में जल्दी पेशकदमी करे। आपके हुक्म के मुताबिक मैंने पूरे शहर में ऐलान करवा दिया है आली जनाब। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। तालियान ब्रदर्स, कैसे हो आप सब? ठीक है भाइयों, कहो कैसे आना हुआ? मैं आप लोगों को एक मंसूबे के बारे में बताना चाहता हूँ जो सुल्तान ने ऐलान किया है। कहो क्या मंसूबा है? सुल्तान अपने काफिले के लिए बेहतरीन जंगजू इंतखाब करना चाहते हैं। मैंने सोचा कि आप लोग भी उसमें शिरकत फरमाएंगे। हाँ, क्यों नहीं भाइयों, तुम चलो, हम लोग सुल्तान के महल में आते हैं। सुल्तान, ये चारों भाई है, इन्हें पूरे शहर में तालियान भाई के नाम से जाना जाता है और इनके बहादुरी पूरे शहर में फैली हुई है। हर लोग इनके बहादुरी से वाकिफ है। हमें इन्हीं लोगों को इंतखाब करना होगा। ये चारों भाई मिलकर आपके काफिले को हिफाजती इकदामात में रखेंगे और उसे लुटेरे और डाकुओं और मंगोलों के हाथों से बचाएंगे। तुम सही कह रहे हो कमांडर, हमें इन्हीं लोगों का इंतखाब करना होगा। आज से मैं तुम लोगों को एक नया फरीजा सौंप रहा हूँ। समुद्र से जाने वाले काफिले का हिफाजत तुम लोगों के हाथ में होगी, तुम उसे बखूबी निभाओगे जैसा आपका हुक्म सुल्तान मुअज्जम। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। फजर की नमाज पढ़ने के बाद तुम लोग काफिले के साथ रवाना हो जाओगे। ब्रुजा काफिले के साथियों, आज से ये चारों लोग इस काफिले की हिफाजत में लगे रहेंगे। ये हमारे नए दोस्त हैं। काफिले की रवानगी शुरू करो। थोड़ी देर के लिए सब ठीक था, लेकिन अचानक डाकुओं ने काफिले पर हमला कर दिया और उसी में ये चारों भाई ने बहुत बहादुरी से दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिए और दुश्मनों को इसमें हार दिखाई और अपने काफिले को खैरियत से अपने मंजिल तक पहुंचाया। सुल्तान इनके बहादुरी से खुश होकर अपने महल में एक अहम मनसबे पर इन्हें बैठा देते हैं और इन्हें कमांडर बना देते हैं। और सुल्तान की आधी वो काम जो सुल्तान करते हैं वो आधा काम ये लोग करेंगे। तालियान, तुम्हें अल जजीरे और कोनिया जाना होगा। वहाँ के सुल्तान से तुम्हें बातचीत करके कुछ ज़मीन की तलब करनी होगी ताकि हमारे ये जो मासूम लोग हैं चारागाह के लिए उन्हें जगह मिल सके। तुम फौरी तौर पर रवाना हो जाओगे और कोनिया जाकर वहाँ के सुल्तान से बात करके ज़मीन के हिकमत अमली पर अमल दराजी करोगे जैसा आपका हुक्म सुल्तान। मैं फौरी तौर पर रवाना हो जा रहा हूँ, तुम अपने साथ कुछ बेहतरीन सिपाहियों को भी ले लेना ताकि रास्ते में कोई खतरा महसूस ना हो।
मैं खैरुद्दीन बारबरोजा का कमांडर हूँ। उनके तलब के मुताबिक मैं उनका फरमान लेकर आपके पास आया हूँ। उनकी यह फरमान है कि आप इस ज़मीन में से थोड़ी सी जगह हम लोगों को दे दें, ताकि हमारे चारागाह के लिए जगह हो सके और उसकी समस्या को हल की जा सके। तुम जाके सुल्तान से कह दो, इस ज़मीन पर किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा। ये ज़मीन हमारी है, हम उनके तलब को ठुकराते हैं। तुम जाकर कह देना ऐसे, तुम हद में रहो अपनी, हमारे सुल्तान की तौहीन करने का खामियाजा तुम्हें भुगतना होगा। एक दिन इसी सरजमीन पर हम तुम्हें शिकस्त देकर इस सरजमीन को कब्जा करेंगे, तुम देखते रहना। क्या हुआ सरदार, यह किस चीज़ की ख्वाहिश लेकर आया था? ये अपने सुल्तान के मुताबिक यहाँ पे ज़मीन की तलब कर रहा था, मैंने उसे ठुकरा दिया। सरदार, आपने ये ठुकरा कर बहुत बड़ी गलती कर दी, अब दोनों कबाइल में जंग जैसे हालात बन जाएंगे और एक कबाइल दूसरे कबाइल के खून के प्यासे हो जाएंगे, तब हमें खूनरेजी करने से कोई नहीं रोक सकती और इस कबीले में बहुत ही ज़्यादा अमन सुकून बर्बाद होगा और उस कबीले की जनसंख्या ज़्यादा है, जिससे हम ही लोगों को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। आपने ये गलत कर दिया सरदार, आपको उनकी तलब को बरकरार रखना चाहिए, ताकि एक कबाइल दूसरे कबाइल के मुश्किलात में एक दूसरे का साथ दे सके। मैं ऐसा नहीं कर सकता सरदारानो, ये सरजमीन हमारी है, हम लोगों ने इतने कुर्बानियों देकर इसे फतह किया है, अब उन तलियान भाइयों को दे दें हम। कहो तलियान, क्या हुआ? आपकी हुक्मनामा को उसने ठुकरा दिया है। क्या कहा तुमने, उसने ठुकरा दिया है? उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। फौरन तुम जंग की तैयारी करो और अपने सिपाहियों को कष्ट में रखो और उसकी बेहतरीन तरबियत करो। अब उस सरजमीन को हम जंग करके ही फतह करेंगे, ताकि उन्हें मालूम चल जाए हमारी पेशकश ठुकराने की क्या अंजाम होता है। सुल्तान, आपके लिए एक कासिद आया है कोनिया से, वहाँ के सरदार ने भेजा है आपसे मुआयदे के लिए, दोनों कबाइल मुत्तहिद होना चाहते हैं, उसी के बारे में आपसे बातचीत करनी होगी। आप इस मकतूब में अपने हुक्मनामा लिख सकते हैं, उसने हमारी पेशकश को ठुकरा दिया और अब फिर अफसोस करने से कोई फ़ायदा नहीं, अब हमें जंग करने से कोई नहीं रोक सकता। सुल्तान, उस सरदार ने जंग रोकने के लिए ही एक कबाइल दूसरे कबाइल को मुत्तहिद करने का फैसला किया है। हमारे हिसाब से भी लगता है कि हम दोनों मुत्तहिद हो जाएंगे तो हमें किसी किस्म की परेशानी नहीं आएगी, हर एक मुश्किलात में एक कबाइल दूसरे कबाइल की मदद करेगा। यही सही रहेगा सुल्तान, जंग करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तुम जाकर कह देना सरदार से, मैं इस मुआहदे के लिए राज़ी हूँ। अगर वो फिर से हमारे सुल्तान की तौहीन करेगा या हमारे सुल्तान की पेशकश को ठुकराएगा, तो उसका अंजाम उसे जंग से दिया जाएगा। जाकर कह देना उससे। इंशाअल्लाह दोनों कबाइल मुत्तहिद हो गए, अब हमें किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी और हर मुश्किलात में एक कबाइल दूसरे कबाइल के साथ निभाएंगे। सुल्तान, आपने मुझे याद किया था, फौरन जाओ, तुम यूएस सलीम से कहना सुल्तान ने आपको इस खेल में मुंतखब किया है। इस खेल में जो फतह हासिल करेगा उसको सुल्तान के अहम ओहदे पर कायम किया जाएगा। आप भी उस खेल का हिस्सा है, आपको वहां पर अपनी बहादुरी के दास्तान दिखाना होगा। सुल्तान का यही फरमान है, जाकर कह दो सुल्तान से, मैं इसके लिए तैयार हूँ। फतह मुबारक हो तुमको, तुमने फतह हासिल करके
सुल्तान के अहम ओहदे में शामिल होने का शर्फ बख्शा है, और अब आप सुल्तान के खास आदमी बन जाएंगे। आज से आपको सुल्तान के अहम ओहदे में शामिल किया जाता है, और अब आपका नाम युवज सलीम नहीं, बल्कि आज से आपका नाम युवज सुल्तान सलीम है। आपको इस ओहदे पर कायम होने का बहुत बहुत मुबारक हो। आज से जो मुश्किलात सुल्तान की होगी, वह मुश्किलात आपकी समझी जाएगी। आज से सुल्तान के हर काम का बोझ आपके कंधों पर है, आप इसे बखूबी निभाएंगे। जैसा आपका हुक्म सुल्तान, अब आप जाकर आरामगाह में आराम कर सकते हैं। युवज सुल्तान, आपको सुल्तान ने बुलाया है, उन्हें कह दो कि मैं थोड़ी देर के बाद आता हूँ। मैं अपना काम खत्म करके सुल्तान के हुजरे में दाखिल हो जाऊँगा। सुल्तान से जाकर कह देना जो हुक्म आपका। सुल्तान मुअज्जम, आपने मुझे याद किया था। आ जाओ युवज, तुमसे एक ज़रूरी मसले पर बातचीत करनी थी। कुछ तुम दुनिया और काराजेसार के जमीन पर सेलेबी और मंगोलों ने कब्जा कर लिया है, वह मजलूम लोगों का चारागाह है। वह हमारी सरजमीन का एक हिस्सा है, जिसे हम सेलेबी और मंगोलों के हाथों में नहीं छोड़ सकते। इसके लिए चाहे जंग से ही क्यों न गुजरना पड़े, हम इसके लिए तैयार हैं। जो भी जरूरियात कदम होगी, हमको मिल के उठाना है। सुल्तान मुअज्जम, काराजेसार के सरदार से एक बार बातचीत करनी चाहिए हमें। इस मसले का हल शायद इस बातचीत से निकल जाए। नहीं नहीं युवज, मैंने वहाँ के ज़मींदार से बात कर लिया है, लेकिन वह ज़मींदार इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला है। उसने अपने मुआहदे को जंग की ओर ले जाने की कोशिश कर रहा है, और वह जंग की तैयारी में लगा हुआ है। हमको भी इस सरजमीन को जंग करके ही फतह करना है, ताकि ये मंगोलों को और सलेबियों को पता चल जाए कि हमारी सरजमीन पर कब्जा करने का क्या अंजाम होता है। दुनिया के चारों कोनों तक ये पता होना चाहिए कि जो भी हम तुर्क सरदारों की सरजमीन को कब्जा करेगा, उसको अंजाम यही होगा। युवाज, तुम बजाते खुद फज्र की नमाज अदा करके फौरी तौर पर रवाना हो जाना, और बाजंतीन और कुस्तुन दुनिया के सरहदों के पास जाना, और तुम अपने साथ अपने बेहतरीन सिपाहियों को भी लेकर जाना, और उसके अलावा बंसी बैरिक को भी साथ ले लेना। जो हुक्म आपका सुल्तान। बिलची, तुम बंसी बैरिक को खबर करो और फौरन मेरे पास बुलाओ। कहना कि युवाज ने तुम्हें बुलाया है। सरदार, वह अपने खेमे में मौजूद नहीं है, लगता है शायद शिकार पे गया होगा। हम लोग उसे रास्ते में ही मुलाकात कर लेंगे, और उसे रास्ते में ही इस प्रोग्राम के बारे में बता देंगे। चलो मेरे जवानों, चलो मेरे बहादुर जवानों, पता हमारी मुंतजिर है। भाइयों, तुम इन मजलूम लोगों को कैद क्यों किए हो? ऐ मुसाफिर, तुम इस मसले में ना पड़ो, यह हमारा मसला है। तुम इस मसले में दखलअंदाजी ना करो तो ही अच्छा है तुम्हारे लिए। पहले तुम मुझे ये बताओ, इन मासूम लोगों को कैद करके तुम कहाँ ले जा रहे हो? देखो ऐ नौजवान, तुम अपनी सफर में मुश्किलात पैदा मत करो। तुम अपने सफर को जारी रखो और हट जाओ यहाँ से, हमारे रास्ते में मत आओ, वरना इसका अंजामा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। अभी बताता हूँ मैं तुमको।
कौन किसको अंजाम तक पहुंचाएगा। देखो ऐ मुसाफिर, तुम हमारे लिए एक अजनबी हो। हम एक अजनबी से दुश्मनी मोलना नहीं चाहते हैं। देखो ऐ डाकुओ, तुम पहले इन मजलूम लोगों को छोड़ दो तो मैं तुम्हें भी छोड़ दूंगा, वरना मैं तुम्हें एक एक करके मौत की नींद में सुला दूंगा। यह मेरा वादा है तुमसे। अभी तुम्हारे पास वक्त है, अपनी तलवार को म्यांम में रख लो, वरना मेरी तलवार कितने दिनों से म्यांम में है। अगर यह म्यांम से बाहर निकल गई तो इसके जंग छुड़ाने के लिए मैं तुम्हारे खून से अपना प्यास बुझाऊंगा। मैं तो इस जंगल में शिकार के तलाश में आया था, आखिरकार मुझे बेहतरीन शिकार मिल गया, तो अब मैं शिकार करना शुरू करता हूँ। एक एक करके तुम सबका मैं शिकार करूंगा और तुम्हें यहाँ पे बचाने वाला कोई नहीं होगा। या ये लो चाकू और रस्सी काट दो जल्दी। इस बच्चे को जल्दी खोलो, तब तक मैं इन काफिरों से निपटता हूँ। आपने हमें बचाकर एहसान किया है हम पे। नहीं नहीं ऐसा मत कहिए, ऐसा कह के मुझे आप शर्मिंदा मत कीजिए। ये तो मेरा फर्ज है और मैं अपने फर्ज को बखूबी निभाया। वैसे आपका नाम क्या है? हमारा कबीला पासी में है, चांद कबीला। वहाँ उस कबीले के मैं सरदार के भतीजे का लड़का हूँ। माशाल्लाह। और आपका नाम? मेरा नाम बंसी बैरिक है और मैं सेलिम कबीले का सुल्तान युवाज का दोस्त हूँ। मैं यहाँ पे शिकार के लिए आया था, लेकिन यहाँ पे आप लोगों से मुलाकात हो गई। अच्छा भाइयों, तो अब मैं चलता हूँ। वो देखिए सरदार बंसी बैरिक। माशाल्लाह भाइयों, तुम लोगों से दोबारा मुलाकात हो गई। कितने दिनों बाद हम साथ मिले हैं। बंसी बैरिक, अभी ये बात तो करने का वक्त नहीं है। हमें सुल्तान की तरफ से एक अहम मंसूबे का फर्ज अदा करने को मिला है और उसमें तुम्हें भी साथ चलना है। हमें कुस्तुम दुनिया और बाजंतीन के सरहद को मंगोलों और सलेबियों से निजात दिलाना है। हम इसीलिए फौरी तौर पर रवाना हो रहे हैं, तुम भी मेरे साथ चलो। बहुत दिनों से भाइयों मुझे इस जंग का इंतज़ार था, चलो चलते हैं। अस्सलामु अलैकुम ब्रादरान, क्या हमें इस बाजार में रहने के लिए एक रूम मिल सकता है? क्यों नहीं, यह बाजार तो आप ही लोगों के सेवा के लिए है। आप कौन सा रूम मुंतखब करेंगे? जी ये वाला ठीक रहेगा। ठीक है, आप जाइए, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप हमें खबर कर दीजिएगा, हम हाजिर हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया जनाब। चलो बैरिक, थोड़ी देर आराम करते हैं। जनाब आप लोगों को किसी चीज़ की तो ज़रूरत नहीं है ना? नहीं नहीं जनाब, बस एक मसला है। कैसा मसला, आप हमें बताएं। हमें बाजंतीन के सरदार के महल के पास जाना है, क्या आपको वो जगह मालूम है? हाँ हाँ बखूबी मालूम है। इस बाज़ार से एक खुफिया रास्ता महल के पास जाता है, लेकिन उस रास्ते में 24 घंटे सिपाही चौकन्ना रहते हैं। आपको उस रास्ते में संभल कर जाना होगा।
ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। बंसी बैरी, पहले हम जमींदार को एक मकतूब भेजते हैं और उसे बिना जंग किए इस सरजमीन को छोड़ने का वादा करते हैं। अगर वो इस पर राजी हो गया तो इस जंग में किसी का खून नहीं बहेगा। अगर वो इस पर आमादा नहीं होता है तो फिर चाहे वो अपने आप को कहीं भी छुपा ले, वो हमसे बच नहीं पाएगा और उसके महल में ढुककर बहुत ही ज़्यादा खून रेजी होगी, जिससे अपने आप दुरुस्त हो जाएगा। तुमने ठीक कहा युवाज मेरे भाई, ऐसा ही होगा। इस मकतूब को फौरन भेजवा दो जमींदार के पास। तो उम्मीद है आप इस एपिसोड को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यह जो सीरीज है वो एक रियल वाक्य पर बना है, जो 1470 के आसपास अमास में जन्मे सेलिम शाहजादे बेजीद का छोटा बेटा था। उसकी माँ गुलबहर हटन एक तुर्की के राजकुमारी दुलकदीर राज के आसपास केंद्रित इल्बिस्टिन में मौजूद था। उनके पिता दुलकदीरों के 11वें शासक अलाउद्देवेल बोजकुट थे। कुछ शिक्षकवादियों का कहना है कि सेलिम की माँ गुलबहार नाम की एक महिला थी, जबकि कालानुक्रमिक विश्लेषण से पता चला कि उनकी जैविक माँ का नाम आयशे हुटन था। युवा सुल्तान सेलिम तुर्गु हजरत सुल्तान अरपाल सलान अपने सैनिकों के साथ बर्जिम किले पर चढ़ाई करते हैं। तभी सलजुक सिपाही के कमांडर कहते हैं, आपके शाहिनों ने हमला करने का इशारा दे दिया है हजरत सुल्तान अरपाल सलान। उस किले को अच्छी तरह से संभाल कर रखना मेरे बेटे मुल्क शाह। मलाजग्रत में जब हमारे तलवारबाज नतीनी काफिलों पर चली तो हमने मगरिब में फतह का रास्ता हमवार किया। अब जब हम बर्जिम किला हासिल करेंगे तो हम मिस्र की फतुहात का रास्ता अपनाएंगे। जब एक दिन तुम सुल्तान बनोगे तो तुम्हारे पास जो हो उस पर इक्तफा ना करना। रवायात कहती है, जब बेटा बाप से परचम ले तो उसको मजीद आगे लेकर बढ़े। मैं आप और रियासत की कसम खाता हूँ कि मैं अपनी सरहदों को दुनिया के आखिरी कोने तक लेकर जाऊँगा। अगर मैं अपनी बात से फिरी तो अपनी तलवार से कट जाऊँ और मिट्टी में मिल जाऊँ। मेरे बहादुरों, मेरे शेरों, आगे बढ़ो, एक अजीम फतह हमारी मुंतजिर है। आज का दिन तेज धार तलवार, मजबूत कलाई और बाहिम्मत धड़कन वाले दिल का दिन है। रजाए इलाही की खातिर आज शेर की तरह दहाड़ने, भेड़िए की तरह हमला करने और शाहीन की तरह झपटने का दिन है। आज का दिन शहीद होने या गाजी बनने का दिन है। इस जंग में कितने बहादुरों ने अपनी जानें गंवाई और इधर मुल्क शाह के कबीले में एक नए वारिस इनके बेटे की पैदाइश हुआ और इस जंग में मुल्क शाह को फतह हासिल हुआ। आपके नाम के फतुहात के बहुत सारे गीत लिखे जाने चाहिए निज़ाम मुल्क। कसदान को बगदाद, मश्र, कस्तन्या, चीन और फ्रांस तक लेकर जाएं। दुनिया के चारों कोने तक ये पता होना चाहिए कि जो हमारे साथ दुश्मनी करेगा उसका यही अंजाम होगा। जैसा आपका हुक्म सुल्तान। सुल्तान, अगर आपका फरमान हो तो हमारी फतह के खबर में खुददारा हुकूमत लेकर जाना चाहता हूँ। हमारी फतह का ऐलान करने का सबसे अच्छा तरीका होगा। तुमने मैदाने जंग में बहादुरी से अपने तलवार का हक अदा कर दिया। तुम्हारी तलवार कभी फतह के बगैर जंग के मैदान से वापस ना आए। यह फतह हम फानी बंदों के ताकत से हासिल हुई है, उस धोखे में ना रहना। तुम हमेशा रजाए इलाही के खातिर लड़ना ताकि अल्लाह तुम्हें फतह पर फतह नसीब करे। हमेशा ऐसे ही फतह का निशाना लेकर बढ़ते रहो बेटा। बर्जिम के किलेदार को मेरे पास लाओ, उससे हमें हिसाब किताब करना है। आपका सेहतमंद बेटा हुआ है और बासोलो वह पैदाइश के बाद बेहोश हो गई। दायों ने पूरी कोशिश की मगर वह उनको न बचा सके। बहुत अफसोस हुआ। बासोलो उस जगह हिजरत कर गई जहाँ से कोई वापस नहीं आता। आप दोनों उसका नाम अहमद रखना चाहते थे। मेरा बेटा, मेरा अहमद, तुम्हारी माँ दूसरी दुनिया में चली गई है लेकिन वह तुम्हें मेरे लिए छोड़ गई। आज के बाद तुम ही मेरे आंखों का तारा हो, तुम ही मेरे दिल का राज हो। बासोलो को कहाँ दफन किया? मेरे लिए तुम जलाउतनी पर राजी हो गई।
अपने बेटे की आरजू की आग में तुम जल गई, और अब देखो कि तुम उसकी खुशबू बाहों में सिमटे बगैर गुजर गई। उस्ताद मौलम, मैं उसकी हिफाजत न कर सका, तुमने अपनी जान जोखिम में डालकर उसकी हिफाजत की थी। अब शोक नहीं बल्कि सीधे खड़े होने का वक्त है मुल्क सा। सब खैर हो? क्या फौज महम से वापस आ गई? मैं तुमसे नहीं डरता सुल्तान। उन्होंने जंग के अदब के मुताबिक बर्जिम के किलेदार को माफ़ी देने का मौका फराहम किया। तुम मुझे झुकने पर मजबूर नहीं कर सकते, लेकिन उसने हमारे सुल्तान की तौहीन की है। ले जाओ उसे। उसका मकसद सुल्तान के करीब जाना था, और वो अपने मकसद में कामयाब हो गया। अपने तख्त के जानिब लौटते हुए उसने सुल्तान को जहर आलूदा बर्छी मार दी, और उसने हमारे सुल्तान के बेटे पर लगे उस जख्म पर वार किया जिसे उन्होंने छुपाया हुआ था। उन्होंने अपनी आखिरी सांस लेते हुए कहा, ये मेरे नहीं रियासत के बारे में सोचने का वक्त है। फौरी तौर पर रवाना हो जाओ। मेरे बेटे मुल्क शाह को तख्त पर बैठाना चाहिए, चाहे सर कट जाए लेकिन परचम नहीं गिरना चाहिए। सुल्तान मोजम, यरूशलेम को बचा लो। हरमीन को अनजान हाथों में न जाने देना। उसके अलावा अब कस्तन्या के जानी मुल्क शाह की क्यादत में बढ़ो। वह मजलूमों का चारागाह है, और जालिमों को कचल दो। अल्लाह को अता कर वह तख्त उसकी अहमियत रखने वाले किसी को सोचने का वक्त आ गया। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। बाबा, ये मातम करने का वक्त नहीं है मुल्क साहब। बाबा, अगर तख्त खाली रहा तो बगावत हो सकती है। जितनी जल्दी हो सके आपको तख्त नसीब करना होगा। नहीं 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 मुल्क साहब, मुल्क साहब, आज का दिन तुम्हें मजबूत होना होगा। तुम मुल्क नहीं सुल्तान हो। हमें फौरी तौर पर रवाना होना होगा। मेरा बेटा अहमद, उसका क्या होगा? क्योंकि बासोलो करा जैसार सरदार की बेटी थी, उसलिए सबने उसके साथ बदजवानी की। हालांकि वह आपकी बीवी थी, लेकिन आप उसे जलावतन होने से न रोक सके। अगर अब उन्हें पता चला कि उसमें से एक तुम्हारा पोसीदा बेटा भी है, तो रियासत और खानदान दोनों लड़ जाएंगे। अहमद का वजूद पोसीदा ही रहना चाहिए। जैसा कि तुम अच्छी तरह जानते हो, जलावतन औरत का बेटा खानदान का हिस्सा नहीं समझा जाता। मुल्क सा, इसे मुझे दे दें। आपके सामने दुरुस्त है, आपको उनमें से एक का इंतकाफ करना होगा। एक बेटा आपकी दिल की आँख को ठंडक नहीं कर सकता है, लेकिन उसे हजारों बाकी लोग जल जाएंगे। अब मुझे बताएं, आपका बेटा या आपकी रियासत? अगर आपने ये तलवार ना पकड़ी तो ये मेरे नहीं बल्कि दुश्मनों के हाथ में चली जाएगी। फिर ना कोई रियासत बाकी रहेगी और ना ही तुम्हारा बेटा। वह वादा याद करो जो आपने मैदान जंग में अपने बाबा से किया था। अब क्या करना चाहिए? अहमद को मैं अपनी सरपरस्ती में लेता हूँ। किसी को मालूम नहीं होगा कि वह तुम्हारा बेटा है। आप इसे दोबारा कभी नहीं देखेंगे, और फिर कभी उसके बारे में नहीं पूछेंगे, क्योंकि आप सलजुक सुल्तान होंगे। आपकी हर नकल व हरकत पर नज़र रखी जाएगी। अगर आप अहमद से मिले तो एक न एक दिन यह नज़र में आ जाएगा। उस वक्त अहमद की जान और रियासत की हिफाजत दोनों खतरे में हो जाएगी। फिक्र न करें, आपका बेटा उस खानदान का हिस्सा है। हम एक सर्टिफिकेट तैयार करेंगे कि अहमद आपका बेटा है। अगर कभी खानदान में न पैदा होने का खतरा हुआ तो जो भी जरूरत होगा वो हम करेंगे। अब जबकि रियासत, मैं अपने दिल पर पत्थर रख के ये करूँगा, मेरे बेटे, मेरे आँखों का नूर, ये रुखसत जुदाई नहीं है। मैं तुम्हें अपने दिल में रखूँगा। तुम मुझसे जितना दूर जाओ, मैं तुम्हें उतना ही दिल के करीब रखूँगा। माँ के तरफ से बेटे के लिए एक तोहफा। किसी को मालूम नहीं होना चाहिए कि उसका नाम अहमद है। अब ये नए नाम से एक ज़िंदगी जिएगा। तुम बड़े होकर बहादुर जंगजू बनो। दुश्मनों पर नेजे की तरह तीर की तरह वार करो। उस लिए तुम्हारा नाम संजार है, सलजुग नसब का बहादुर बेटा। फतुहात के बाप अरपाल सलान का पोता सुल्तान मलिक शाह का बेटा संजार। वतन तक पहुंचने की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए जाहिर से गुजरना पड़ता है। छुए बगैर पहचानना होगा, देखे बगैर दिखाना होगा, और मौत को दबाने पर चलना होगा। अपने वतन की तलाश करना पड़ेगा। ये रास्ता ढलाव चट्टान से भरा पड़ा है। जो नीचे देखता है वो इन चट्टानों के नीचे गिर जाता है, जो इन चट्टानों पर नज़र रखता है वो नहीं गिरता है। ये रास्ता उन लोगों के लिए नहीं है जो देखना नहीं जानते। एक भी गलत कदम मौत की तरफ ले जाएगा। उस खरदार रास्ते पर चलने वालों को अल्लाह खुश रखे। जो लोग हार नहीं मानते अल्लाह उन्हें भी खुश रखे। वही लोग हैं जिन्होंने अपनी तकदीर का सिला पाया। तुम देखे बगैर देखने में कामयाब हो गए। तुमने हमारा मकसद के सबसे अजीम मर्तबे को पूरा कर दिया।
हमारे अजीम इमाम इस्माइल से उभरने वाली बातनी दुआ के लिए, बगदाद के खलीफा की छोटी खिलाफत को ख़त्म करने के लिए और उसके सरपरस्ती सलजुक सैतान सुल्तान के खिलाफ फतह पाने के लिए। क्या तुम उस रास्ते पर कायम हो मरते दम तक? उठो, ये खून जैसी सुर्ख ब्लेड उस खून की अलामत होगी जो आप हमारे मकसद के लिए बहाएंगे। ये ब्लेड हमारे दाई के साथ आपकी वफादारी की अलामत है जो हमारे रास्ते को रिसर करेगा। ये ब्लेड पहनकर आप हमारे साथी बन जाओगे। मुझे अली दाई के हुजूर हाजिरी का सबक कब हासिल होगा? आप आज ही हमारे साथी बने हैं। आप उस रास्ते में बहुत सी मुश्किलात में कायम होकर अलूदा कर जाएंगे। आपकी वफादारी लोहे की तरह, सब्र चट्टानों की तरह, हिम्मत एक तीर की तरह हो ताकि आप अली दाई की चौखट पर पहुंच सकें। मेरे सुल्तान बाबा अरपाल सलान, रज़ाए इलाही आपकी आखिरी ख्वाहिश थी। आप हमेशा उसी मकसद के लिए कोसा थे। मैं इतने सालों तक आपसे किए गए वादा का पास रखा। मैं जब नौजवान मलिक था तो मैं अपनी रियासत की सरहद का बोझ कंधों पर उठाया और उसको दुनिया के आखिरी कोने तक फैलाया। तो उम्मीद है आप बारब्रोज एपिसोड 1 के पार्ट 2 को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। और यह जो सीरीज़ है यह 2021 में आने वाला है, लेकिन अभी जो है वो तुर्कीज लैंग्वेज में रिलीज़ हो रहा है, लेकिन उर्दू और हिंदी में नहीं डबिंग हो रहा है। लेकिन हमने जो है TRT के द्वारा वेबसाइट पे विजिट करके जो है उसका स्क्रिप्ट लेके, जो समरी का पार्ट होता है लेके, और उसको डबिंग किया है। तो आप जो है हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए ताकि कोई भी बारब्रोस से रिलेटेड या तुर्की सीरीज़ से रिलेटेड जो है अपडेट आते हैं तो मैं आपको बताऊँगा। और इस सीरीज़ का जो है मुख्य कैरेक्टर्स जो है इंजीन अल्तान है। इन्होंने जिस तरह अर्तगल गाजी में अपना जो है रोल निभाया है, एक्शन और एक्टिंग से भरपूर, जिसे लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद लगता है, वैसा ही सेम कैरेक्टर्स इसी सीरीज़ में उन्होंने निभाया है और अपने रोल्स को अदा किया है, जिससे लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। इस ट्रेलर को जो है इतना ज़्यादा वायरल कर दिया गया है कि उसका जवाब नहीं है। उससे अंदाज़ा लगाना यह मुश्किल हो रहा है कि जो इसका सीरीज़ आएगा उर्दू में तो वो काफ़ी हिट होने वाला है। इस ट्रेलर को इतना जो लोग है पब्लिसिटी दे दिए हैं कि जो सीरीज़ आएगा वो बहुत ही ज़्यादा हिट होने वाला है। तो आप जो है ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहे। और एक और जो है तुर्की सीरीज़ है युवा सुल्तान सेलिम, जिसमें जो है अर्तगल के ही कैरेक्टर्स जिनमें इनके साथी रहते हैं तुर्गुत और बंसी, वो उन्हीं लोगों का सीरीज़ है। तो उसमें जो वो लोग हैं मेन कैरेक्टर्स का रोल निभा रहे, उसमें तुर्गुत है और बंसी है, उन्होंने मेन कैरेक्टर्स का रोल निभा रहे उस सीरीज़ में। तो आप उस सीरीज़ को भी देखिए, उसका एपिसोड 1 डबिंग हो गया है। तो नीचे लिंक मिल जाएगा, आप सारे वीडियोज़ को विजिट कर सकते हैं। और जो है तुर्की सीरीज से रिलेटेड एक्स्ट्रा जो है अपडेट पाने के लिए लिंक मिल जाएगा वीडियो को, आप उस वीडियो को विजिट कीजिए। और तो इंजीन अल्तान जो है आजकल ज़्यादा सुर्खियों में चल रहे हैं, क्योंकि जब से उनका सीरीज़ आया था अर्तगल गाजी, तो उसने यूट्यूब पे जो है अपना नंबर 1 रिकॉर्ड कायम कर दिया गया है। आप यूट्यूब पे जाकर सर्च मारिएगा अर्तगल गाजी, तो उसमें जो है हैशटैग में आएगा अर्तगल गाजी यूट्यूब रिकॉर्ड। मतलब उसने इतना ज़्यादा हिट हो गया है कि तब से उन्होंने अलग पहचान अपना बना लिया है। और उनका कोई भी सीरीज़ आ रहा है बहुत ही ज़्यादा हिट रहा है। उन्होंने अर्तगल गाजी ड्रामा में इतना ज़्यादा मतलब एक्टिंग किया था अपना, जो है वो लोगों को काफ़ी पसंद आया था, लोग उसे पसंद करके काफ़ी देख रहे थे। अब जो है उनका एक ट्रेलर आया है अब बारब्रोस का, तो बारब्रोस जो सीरीज़ है उसमें उन्होंने एक शानदार एंट्री किया है। उस ट्रेलर को जो है उन रिलीज़ हुआ है, तो बहुत ही ज़्यादा वो ट्रेलर जो है हिट हुआ है। तो उसका जो है अभी डबिंग नहीं हुआ है, ना उर्दू ना हिंदी सबटाइटल्स में कहीं नहीं रिलीज़ हुआ है, लेकिन मैंने जो है उसको रिलीज़ करके आपको जो है स्टोरी को जो है TRT के जो वेबसाइट होता है ओरिजिनल, उस पे से मैंने लिया है उस वेबसाइट पे से, और वहाँ से जो है आपको मैंने उस बताया है कि आप कैसे वॉच कर सकते हैं। और जो है लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप जो है हमारे चैनल के साथ बने रहे और इसको सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो है कोई भी लेटेस्ट अपडेट आता है तुर्की सीरीज़ से लेके, जैसे तुर्कीज़ का एक और सीरीज़ आ रहा है युवा सेलिम सुल्तान, जिसमें जो है तुर्गुत और बंसी है जो भी अर्तगल में उनका जो है फ्रेंड रहते हैं, उनका मतलब अर्तगल सरदार रहते हैं और छोटे रहते हैं, उनके मतलब साथी रहते हैं, उनके सिपाही रहते हैं काई कबीले के, तो वो लोग जो है उनका जो है एक अलग सीरीज़ आ रहा है युवा सेलिम सुल्तान। तो वो सीरीज़ जो है वो भी काफ़ी हिट हो रहा है, उसका ट्रेलर जो है रिलीज़ हो गया है और उसका उर्दू को डबिंग करके मैंने उसको रिलीज़ कर दिया है। आप अगर देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं और वॉच कर सकते हैं।
तो आइए इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ गूगल प्ले चल के कि जो है आप बार्बरोस सीरीज़ को कहीं अभी नहीं देख सकते हैं, क्योंकि ये रिलीज़ नहीं हुआ है तो आप कहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए मैं गूगल पे आपको लाइव दिखाऊंगा ताकि आपका कन्फर्मेशन क्लियर हो जाए कि हाँ आप इस सीरीज़ को कहीं नहीं देख सकते हैं। बस इसको डबिंग करके जो है हम लोगों ने समरी इसका रीड करके और इसको डबिंग करके जो है अपने चैनल पर अपलोड किया है, तो आप वहीं से देख के इसको एपिसोड को समझ सकते हैं। तो आइए आपको ले चलते हैं गूगल प्ले स्टोर पर, वहीं पर आपको दिखाएंगे। ओपन करने के बाद जो इसमें सर्च करूँगा बार्बरोज़ एपिसोड 1 उर्दू, तो मैं इसमें सर्च कर रहा हूँ बार्बरोज़ एपिसोड 1 उर्दू। तो सर्च करने के बाद देखिए ऐसा इंटरफेस आ गया। इंटरफेस आने के बाद जो है यहाँ पे देख लीजिए कुछ यूट्यूब्स की वीडियो आ गए हैं, जो यहाँ पे देख लीजिए कुछ यूट्यूब्स की वीडियो आ गए हैं। जैसा उसका प्रोमो होता है वही आ गया है प्रोमो, तो आप इसको वॉच कर सकते हैं। अब नीचे मैं वेबसाइट में आपको दिखाता हूँ कि आप जो है कहाँ से इसको वॉच कर सकते हैं। तो देखिए मैंने वेबसाइट को ऑन कर लिया है। ऑन करने के बाद जो है इसमें हम क्लिक कर रहे हैं बार्बरोज़ एपिसोड 1 उर्दू, तो यहाँ पे फर्स्ट में आ गया। अब इस पर क्लिक करने के बाद जो है इस वेबसाइट को ओपन कर रहा हूँ। तो ओपन करने के बाद इस वेबसाइट में देखिए सिर्फ टाइटल दिया गया है, लेकिन इसका कोई भी मेंशन नहीं किया गया है और ना लिंक इसका काम नहीं कर रहा है या वीडियो काम नहीं कर रहा है कि आप इसे कहाँ से वॉच कर सकते हैं। तो ये वेबसाइट जो है ऐसा ही बना दिया गया है ताकि लोग विजिट करें, लेकिन वो वेबसाइट वाले को फ़ायदा होगा, आपको तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आप जो है इस वेबसाइट पे आप नहीं देख सकते हैं जैसा कि आप देख लिए, और मैं आपको जो है एक और वेबसाइट पे दिखाता हूँ ताकि आपको कन्फर्मेशन क्लियर हो जाए कि आप इस सीरीज़ को अभी उर्दू हिंदी सबटाइटल्स में नहीं देख सकते हैं। तो देखिए जो नेक्स्ट वेबसाइट है इसको मैंने ओपन कर रहा हूँ। ओपन करने के बाद दिखा रहा हूँ, तो इसमें भी देखिए जो टाइटल दे दिया गया है सिर्फ युवाज बार्बरोज़ एपिसोड 1 उर्दू, तो टाइटल है। अब इसमें मैं स्क्रोल कर रहा हूँ, स्क्रोल करके मैं इसको चलाऊँगा। तो चलाने के बाद देखिए यहाँ पे कहीं भी नहीं आ रहा है। इसमें भी वॉच का ऑप्शन यहाँ पे दे दिया गया है यूवानिस ब्यूक सेल्जुक, जो एक तुर्की का सीरीज़ है और वो जो है तुर्क भाषा में रिलीज़ हो रहा है, तो वो अभी उर्दू डबिंग में नहीं हुआ है। अगर आप उसको भी देखना चाहते हैं तो वो भी हमारे चैनल पर अवेलेबल है उर्दू डबिंग में, नीचे लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से उस वीडियो को विजिट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपका जो है डाउट क्लियर हो गया होगा। अब तो आप सोच रहे होंगे कि कोई ऐप होगा उसमें भी चल सकता है, तो मैं ऐप का भी क्लियर करूँगा कि कौन सा ऐप आया है और किस में चलेगा किस में नहीं चलेगा। तो मैं आपको ऐप के बारे में बता रहा हूँ, तो आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। तो आइए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर ओपन करना पड़ेगा। तो मैं अपना देखिए प्ले स्टोर ओपन कर चुका हूँ और इसमें सर्च करना है आपको बार्बरोज़ उर्दू, सर्च मार दीजिए या एपिसोड मारिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो ऐप जो है वही आएगा। तो मैं बार्बरोज़ उर्दू मारता हूँ। तो सर्च करने के बाद देखिए यहाँ पे इतने सारे ऐप आ गए हैं। तो ये जो फर्स्ट में ऐप लिखा हुआ है खैरुद्दीन बार्बरोज़, तो इसका मैंने यूज़ कर लिया है और इसको इंस्टॉल भी किया है, लेकिन इसमें जो है वॉच करने को नहीं मिल रहा है। बस इसमें दिखा दिया गया है व्यूज़ ऑल एपिसोड, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और वीडियो का लिंक दे दिया गया है, थंबनेल दे दिया गया है, और लिंक पे क्लिक करने के बाद लिख रहा है वीडियो इज टेम्प्रोरी अनअवेलेबल द रीसेट, मतलब जो है वीडियोज़ यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, वीडियो को रीसेट कर दिया गया है। अगर रिलीज ही नहीं हुआ है तो कहाँ से इस पर आप देख सकते हैं, तो नहीं देख सकते। अब सेकेंड ऐप में देखिए ये सारे बहुत सारे ऐप है, इसमें तुर्क भाषा का जो है कोई भी सीरीज आता है इसमें रहता है, लेकिन मैंने सबका यूज़ किया है, किसी में भी अभी कन्फर्मेशन जो है नहीं मिल रहा है चलने का कि क्लियर उसमें चल रहा है, तो अभी नहीं चल रहा है। अगर आप चाहते हैं इस ऐप को ट्राई करना तो आप इस ऐप को ट्राई कर सकते हैं, शायद आप में चल सकता है, लेकिन मेरे में नहीं चला है। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ कि मैंने यूज़ किया है, इसको अनइंस्टॉल भी कर दिया है, क्योंकि नहीं चल रहा है तो क्या फ़ायदा डाउनलोड करने का, तो मैंने अनइंस्टॉल कर दिया है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और नए वीडियोज़ में। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट आता है तुर्की सीरीज से या कोई भी सीरीज़ हो तुर्कीज का या अदर सीरीज़, तो मैं उसका नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले दूंगा। हमला करो सिपाहियों, हमला करो सिपाहियों, ऐ बरोजा के लोगों, सुल्तान खैरुद्दीन बार्बरोज़ा के अहम ऐलान को सुनो। ऐ बरोजा के लोगों, सुल्तान खैरुद्दीन बार्बरोज़ा के अहम ऐलान को सुनो। समुद्र से जाने वाले काफिलों पर डाकुओं ने हमला कर दिया है और काफिले में मौजूद सारा सामान को लूट लिया है और लोगों को बंधक बना लिया है। जो भी सुल्तान के काफिले की हिफाजती इकदामात के लिए आगे आना चाहता है वह सुल्तान के महल में पेशकदमी करे। ऐ लोगों सुनो,
सुल्तान का अहम ऐलान। भाइयों, क्या आपको सुल्तान के काफिले की हिफाजती इकदामात में जाना चाहिए? क्या लगता है आपको? नहीं, ये काम हम लोगों से नहीं होगा। ये काम वो चारों भाई ही कर सकते हैं। तुम फौरन जाओ और वो चारों भाई को खबर करो कि सुल्तान ने ये ऐलान किया है कि जो भी उनके काफिले की हिफाजती इकदामात में आना चाहता है वह महल में जल्दी पेशकदमी करे। आपके हुक्म के मुताबिक मैंने पूरे शहर में ऐलान करवा दिया है आली जनाब। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। तालियान ब्रदर्स, कैसे हो आप सब? ठीक है भाइयों, कहो कैसे आना हुआ? मैं आप लोगों को एक मंसूबे के बारे में बताना चाहता हूँ जो सुल्तान ने ऐलान किया है। कहो क्या मंसूबा है? सुल्तान अपने काफिले के लिए बेहतरीन जंगजू इंतखाब करना चाहते हैं। मैंने सोचा कि आप लोग भी उसमें शिरकत फरमाएंगे। हाँ, क्यों नहीं भाइयों, तुम चलो, हम लोग सुल्तान के महल में आते हैं। सुल्तान, ये चारों भाई हैं, इन्हें पूरे शहर में तालियान भाई के नाम से जाना जाता है और इनके बहादुरी पूरे शहर में फैली हुई है। हर लोग इनके बहादुरी से वाकिफ है। हमें इन्हीं लोगों को इंतखाब करना होगा। ये चारों भाई मिलकर आपके काफिले को हिफाजती इकदामात में रखेंगे और उसे लुटेरे और डाकुओं और मंगोलों के हाथों से बचाएंगे। तुम सही कह रहे हो कमांडर, हमें इन्हीं लोगों का इंतखाब करना होगा। आज से मैं तुम लोगों को एक नया फरीजा सौंप रहा हूँ। समुद्र से जाने वाली काफिले का हिफाजत तुम लोगों के हाथ में होगी। तुम उसे बखूबी निभाओगे, जैसा आपका हुक्म सुल्तान मुअज्जम। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। फजर की नमाज पढ़ने के बाद तुम लोग काफिले के साथ रवाना हो जाओगे। ब्रुजा काफिले के साथियों, आज से ये चारों लोग इस काफिले की हिफाजत में लगे रहेंगे। ये हमारे नए दोस्त हैं। काफिले की रवानगी शुरू करो। थोड़ी देर के लिए सब ठीक था, लेकिन अचानक डाकुओं ने काफिले पर हमला कर दिया और उसी में ये चारों भाई ने बहुत बहादुरी से दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दिए और दुश्मनों को इसमें हार दिखाई और अपने काफिले को खैरियत से अपने मंजिल तक पहुंचाया। सुल्तान इनके बहादुरी से खुश होकर अपने महल में एक अहम मनसबे पर इन्हें बैठा देते हैं और इन्हें कमांडर बना देते हैं। और सुल्तान की आधी वो काम जो सुल्तान करते हैं वो आधा काम ये लोग करेंगे। तालियान, तुम्हें अल जजीरे और कोनिया जाना होगा। वहाँ के सुल्तान से तुम्हें बातचीत करके कुछ ज़मीन की तलब करनी होगी ताकि हमारे ये जो मासूम लोग हैं चारागाह के लिए उन्हें जगह मिल सके। तुम फौरी तौर पर रवाना हो जाओगे और कोनिया जाकर वहाँ के सुल्तान से बात करके ज़मीन की हिकमत अमली पर अमल दराजी करोगे, जैसा आपका हुक्म सुल्तान। मैं फौरी तौर पर रवाना हो जा रहा हूँ। तुम अपने साथ कुछ बेहतरीन सिपाहियों को भी ले लेना ताकि रास्ते में कोई खतरा महसूस ना हो। मैं खैरुद्दीन बारब्रोजा का कमांडर हूँ। उनके तलब के मुताबिक मैं उनका फरमान लेकर आपके पास आया हूँ। उनकी यह फरमान है कि आप इस ज़मीन में से थोड़ी सी जगह हम लोगों को दे दें ताकि हमारे चारागाह के लिए जगह हो सके और उसकी समस्या को हल की जा सके। तुम जाके सुल्तान से कह दो इस ज़मीन पर किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा। ये ज़मीन हमारी है, हम उनकी तलब को ठुकराते हैं। तुम जाकर कह देना ऐसे। तुम हद में रहो अपनी,
हमारे सुल्तान की तौहीन करने का खामियाजा तुम्हें भुगतना होगा। एक दिन इसी सरजमीन पर हम तुम्हें शिकस्त देकर इस सरजमीन को कब्जा करेंगे, तुम देखते रहना। क्या हुआ सरदार, यह किस चीज़ की ख्वाहिश लेकर आया था? यह अपने सुल्तान के मुताबिक यहाँ पे ज़मीन की तलब कर रहा था, मैंने उसे ठुकरा दिया। सरदार, आपने ये ठुकरा कर बहुत बड़ी गलती कर दी, अब दोनों कबाइल में जंग जैसे हालात बन जाएंगे और एक कबाइल दूसरे कबाइल के खून के प्यासे हो जाएंगे, तब हमें खूनरेजी करने से कोई नहीं रोक सकती और इस कबीले में बहुत ही ज़्यादा अमन सुकून बर्बाद होगा और उस कबीले की जनसंख्या ज़्यादा है, जिससे हम ही लोगों को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। आपने ये गलत कर दिया सरदार, आपको उनकी तलब को बरकरार रखना चाहिए ताकि एक कबाइल दूसरे कबाइल के मुश्किलात में एक दूसरे का साथ दे सके। मैं ऐसा नहीं कर सकता सरदारानो, ये सरजमीन हमारी है, हम लोगों ने इतने कुर्बानियों देकर इसे फतह किया है, अब उन तलियान भाइयों को दे दें हम। कहो तलियान, क्या हुआ? आपकी हुक्मनामा को उसने ठुकरा दिया है। क्या कहा तुमने, उसने ठुकरा दिया है? उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। फौरन तुम जंग की तैयारी करो और अपने सिपाहियों को कष्ट में रखो और उसकी बेहतरीन तरबियत करो। अब उस सरजमीन को हम जंग करके ही फतह करेंगे ताकि उन्हें मालूम चल जाए हमारी पेशकश ठुकराने की क्या अंजाम होता है। सुल्तान, आपके लिए एक कासिद आया है कोनिया से, वहाँ के सरदार ने भेजा है आपसे मुआयदे के लिए, दोनों कबाइल मुत्तहिद होना चाहते हैं, उसी के बारे में आपसे बातचीत करनी होगी। आप इस मकतूब में अपने हुक्मनामा लिख सकते हैं, उसने हमारी पेशकश को ठुकरा दिया और अब फिर अफसोस करने से कोई फ़ायदा नहीं, अब हमें जंग करने से कोई नहीं रोक सकता। सुल्तान, उस सरदार ने जंग रोकने के लिए ही एक कबाइल दूसरे कबाइल को मुत्तहिद करने का फैसला किया है। हमारे हिसाब से भी लगता है कि हम दोनों मुत्तहिद हो जाएंगे तो हमें किसी किस्म की परेशानी नहीं आएगी, हर एक मुश्किलात में एक कबाइल दूसरे कबाइल की मदद करेगा, यही सही रहेगा। सुल्तान, जंग करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तुम जाकर कह देना सरदार से मैं इस मुआहदे के लिए राज़ी हूँ, अगर वो फिर से हमारे सुल्तान की तौहीन करेगा या हमारे सुल्तान की पेशकश को ठुकराएगा तो उसका अंजाम उसे जंग से दिया जाएगा, जाकर कह देना उससे। इंशाल्लाह दोनों कबाइल मुत्तहिद हो गए, अब हमें किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी और हर मुश्किलात में एक कबाइल दूसरे कबाइल के साथ निभाएंगे। सुल्तान, आपने मुझे याद किया था, फौरन जाओ, तुम युवराज सलीम से कहना सुल्तान ने आपको इस खेल में मुंतखब किया है, इस खेल में जो फतह हासिल करेगा उसको सुल्तान के आम ओहदे पर कायम किया जाएगा, आप भी उस खेल का हिस्सा है, आपको वहां पर अपनी बहादुरी के दास्तान दिखाना होगा, सुल्तान का यही फरमान है। जाकर कह दो सुल्तान से मैं इसके लिए तैयार हूँ। फतह मुबारक हो तुमको, तुमने फतह हासिल करके सुल्तान के अहम ओहदे में शामिल होने का शर्फ बख्शा है और अब आप सुल्तान के खास आदमी बन जाएंगे, आज से आपको सुल्तान के अहम ओहदे में शामिल किया जाता है और अब आपका नाम युवज सलीम नहीं बल्कि आज से आपका नाम युवज सुल्तान सलीम है। आपको इस ओहदे पर कायम होने का बहुत बहुत मुबारक हो, आज से जो मुश्किलात सुल्तान की होगी वह मुश्किलात आपकी समझी जाएगी, आज से सुल्तान के हर काम का बोझ
आपके कंधों पर है, आप इसे बखूबी निभाएंगे। जैसा आपका हुक्म सुल्तान, अब आप जाकर आरामगाह में आराम कर सकते हैं। युवा सुल्तान, आपको सुल्तान ने बुलाया है, उन्हें कह दो कि मैं थोड़ी देर के बाद आता हूँ। मैं अपना काम खत्म करके सुल्तान के हुजरे में दाखिल हो जाऊँगा। सुल्तान से जाकर कह देना जो हुक्म आपका। सुल्ताने मुअज्जम, आपने मुझे याद किया था, आ जाओ युवज, तुमसे एक ज़रूरी मसले पर बातचीत करनी थी। कुछ तुम दुनिया और काराजेसार के जमीन पर सलेबी और मंगोलों ने कब्जा कर लिया है, वह मजलूम लोगों का चारागाह है, वह हमारी सरजमीन का एक हिस्सा है जिसे हम सलेबी और मंगोलों के हाथों में नहीं छोड़ सकते। इसके लिए चाहे जंग से ही क्यों न गुजरना पड़े, हम इसके लिए तैयार हैं। जो भी जरूरियात कदम होगी हमको मिलकर उठाना है। सुल्ताने मुअज्जम, काराजेसार के सरदार से एक बार बातचीत करनी चाहिए हमें। इस मसले का हल शायद इस बातचीत से निकल जाए। नहीं नहीं युवज, मैंने वहाँ के जमींदार से बात कर लिया है, लेकिन वह जमींदार इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला है। उसने अपने मुआहदे को जंग की ओर ले जाने की कोशिश कर रहा है और वह जंग की तैयारी में लगा हुआ है। हमको भी इस सरजमीन को जंग करके ही फतह करना है, ताकि ये मंगोलों को और सलेबियों को पता चल जाए कि हमारी सरजमीन पर कब्जा करने का क्या अंजाम होता है। दुनिया के चारों कोनों तक ये पता होना चाहिए कि जो भी हम तुर्क सरदारों की सरजमीन को कब्जा करेगा उसको अंजाम यही होगा। युवाज, तुम बजाते खुद फज्र की नमाज अदा करके फौरी तौर पर रवाना हो जाना और बाजंतीन और कुस्तुन दुनिया के सरहदों के पास जाना, और तुम अपने साथ अपने बेहतरीन सिपाहियों को भी लेकर जाना, और उसके अलावा बंसी बैरिक को भी साथ ले लेना। जो हुक्म आपका सुल्तान। बिलची, तुम बंसी बैरिक को खबर करो और फौरन मेरे पास बुलाओ, कहना कि युवाज ने तुम्हें बुलाया है। सरदार, वह अपने खेमे में मौजूद नहीं है, लगता है शायद शिकार पे गया होगा। हम लोग उसे रास्ते में ही मुलाकात कर लेंगे और उसे रास्ते में ही इस प्रोग्राम के बारे में बता देंगे। चलो मेरे जहानों, चलो मेरे बहादुर जवानों, फतह हमारी मुंतजिर है। भाइयों, तुम इन मजलूम लोगों को कैद क्यों किए हो? ऐ मुसाफिर, तुम इस मसले में ना पड़ो, ये हमारा मसला है। तुम इस मसले में दखलअंदाजी ना करो तो ही अच्छा है तुम्हारे लिए। पहले तुम मुझे ये बताओ, इन मासूम लोगों को कैद करके तुम कहाँ ले जा रहे हो? देखो ऐ नौजवान, तुम अपनी सफ़र में मुश्किलात पैदा मत करो। तुम अपने सफ़र को जारी रखो और हट जाओ यहाँ से, हमारे रास्ते में मत आओ, वरना इसका अंजामा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। अभी बताता हूँ मैं तुमको कौन किसको अंजाम तक पहुँचाएगा। देखो ऐ मुसाफिर, तुम हमारे लिए एक अजनबी हो, हम एक अजनबी से दुश्मनी मोलना नहीं चाहते हैं। देखो ऐ डाकुओ, तुम पहले इन मजलूम लोगों को छोड़ दो तो मैं तुम्हें भी छोड़ दूंगा, वरना मैं तुम्हें एक एक करके मौत की नींद में सुला दूंगा, ये मेरा वादा है तुमसे। अभी तुम्हारे पास वक्त है, अपनी तलवार को म्याम में रख लो, वरना मेरी तलवार कितने दिनों से म्याम में है
अगर यह म्याम से बाहर निकल गई तो इसके जंग छुड़ाने के लिए मैं तुम्हारे खून से अपना प्यास बुझाऊंगा। मैं तो इस जंगल में शिकार के तलाश में आया था, आखिरकार मुझे बेहतरीन शिकार मिल गया, तो अब मैं शिकार करना शुरू करता हूँ। एक एक करके तुम सबका मैं शिकार करूंगा और तुम्हें यहाँ पे बचाने वाला कोई नहीं होगा। या ये लो चाकू और रस्सी काट दो जल्दी, इस बच्चे को जल्दी खोलो, तब तक मैं इन काफिरों से निपटता हूँ। आपने हमें बचाकर एहसान किया है हम पे। नहीं नहीं ऐसा मत कहिए, ऐसा कह के मुझे आप शर्मिंदा मत कीजिए, ये तो मेरा फर्ज है और मैं अपने फर्ज को बखूबी निभाया। वैसे आपका नाम क्या है? हमारा कबीला पासी में है, चांद कबीला, वहाँ उस कबीले के मैं सरदार के भतीजे का लड़का हूँ। माशाल्लाह, और आपका नाम? मेरा नाम बंसी बैरिक है और मैं सेलिम कबीले का सुल्तान युवाज का दोस्त हूँ। मैं यहाँ पे शिकार के लिए आया था, लेकिन यहाँ पे आप लोगों से मुलाकात हो गई। अच्छा भाइयों, तो अब मैं चलता हूँ। वो देखिए सरदार बंसी बैरिक, माशाल्लाह भाइयों तुम लोगों से दोबारा मुलाकात हो गई, कितने दिनों बाद हम साथ मिले हैं। बंसी बैरिक, अभी ये बात तो करने का वक्त नहीं है, हमें सुल्तान के तरफ से एक अहम मंसूबे का फर्ज अदा करने को मिला है और उसमें तुम्हें भी साथ चलना है। हमें कुस्तुम दुनिया और बाजंतीन के सरहद को मंगोलों और सलेबियों से निजात दिलाना है। हम इसीलिए फौरी तौर पर रवाना हो रहे हैं, तुम भी मेरे साथ चलो। बहुत दिनों से भाइयों मुझे इस जंग का इंतजार था, चलो चलते हैं। अस्सलामु अलैकुम ब्रादरान, क्या हमें इस बाजार में रहने के लिए एक रूम मिल सकता है? क्यों नहीं, ये बाजार तो आप ही लोगों के सेवा के लिए है। आप कौन सा रूम मुंतखब करेंगे? जी ये वाला ठीक रहेगा। ठीक है, आप जाइए, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप हमें खबर कर दीजिएगा, हम हाजिर हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया जनाब। चलो बैरिक, थोड़ी देर आराम करते हैं। जनाब आप लोगों को किसी चीज़ की तो ज़रूरत नहीं है ना? नहीं नहीं जनाब, बस एक मसला है। कैसा मसला, आप हमें बताएं। हमें बाजंतीन के सरदार के महल के पास जाना है, क्या आपको वो जगह मालूम है? हाँ हाँ बखूबी मालूम है। इस बाज़ार से एक खुफिया रास्ता महल के पास जाता है, लेकिन उस रास्ते में 24 घंटे सिपाही चौकन्ना रहते हैं, आपको उस रास्ते में संभल कर जाना होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। बंसी बैरिक, पहले हम जमींदार को एक मकतूब भेजते हैं। Thank you.
दोस्तों एपिसोड के आगाज में एक बुजुर्ग को दिखाया जाता है जो कलम से एक नक्शा बना रहे थे और कह रहे थे कि यह अफवाह है कि इस समंदर में इसे अरब बैरिया बाटन कहते हैं और तुर्क बैरिया रोम कहते हैं। यह एक रूह है जो कि बादशाह और रूह के तख्त निकल गई। लेकिन कदीम जमाने में घुड़सवार जिनके सामने यह सख्त दरिया आया तमाम उन्होंने इस दरिया को अपनी माँ की गोद समझा न कि शर की बारिश। उन्होंने इन पानियों में किले फतह किए हैं जिन्हें वो जजायर का समंदर कहते हैं। नाजरीन तारुफ कराने के बाद आखिर में वो बुजुर्ग कहते हैं और उन बहादुर भाइयों को बारबरोसा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसके बाद में समंदर का मंजर सामने आता है जहाँ पर एक कश्ती मौजूद होती है। उस कश्ती में काफी लोग मौजूद होते हैं और वो सभी लोग अपने अपने कामों में मसरूफ होते हैं। तो इस दौरान कश्ती में एक जोरदार झटका लगता है। दरअसल दोस्तों झटका सामने एक बर्फीली पहाड़ आने की वजह से इस कश्ती को झटका लगता है और इसके बाद उर्ज रईस यानी कि हमारे अर्तुरुल भाई की एंट्री होती है। इस एपिसोड में उनका नाम यानी इस सीजन में अर्तुरुल का नाम उर्ज रईस होने वाला है। तो दोस्तों उनकी एंट्री होती है और सभी दोस्त उनकी तरफ देखने लग जाते हैं। कुछ देर बाद कश्ती को एक और जबरदस्त झटका लगता है। इसके बाद उर्ज रईस एक तरफ इशारा करते हैं जिसे देख कर एक सिपाही कहता है जल्दी से जरबा जजीरा की तरफ मुड़ो। इसके बाद उर्ज रईस उस सिपाही से कहते हैं जब से रास्ते पर निकले हैं ज्यादा बोझ की वजह से हम लोग ठीक नहीं जा पा रहे। जिसे सुनकर वो सिपाही कहता है मैं तो इस मसले का ही आपको बता रहा था लेकिन मेरी बात किसने भी नहीं सुनी। यह सुनकर साथ ही मौजूद एक सिपाही उसे कोहनी मारकर खामोश करा देता है। इसके बाद उर्ज रईस कहते हैं हमें इशारा मिला और हमने हाँ कहा और बज उठाने की जिम्मेदारी भी हमने ली। इसके बाद उर्ज रईस अपने सभी सिपाहियों से खिताब करते हुए कहते हैं मैंने आप लोगों से कभी झूठ नहीं बोला और कभी आपको किसी मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ा और आज भी मैं सब कुछ साफ बता दूंगा। समुद्र गुस्सीला है और ये कश्ती भी बहुत भारी है। हमारा मकसद खारजी रास्ते से निकलना तो है, हम अपनी कोशिशों से निकल जाएंगे लेकिन वहाँ जाने के बाद हमें लड़ाई भी लड़नी होगी। लोग तीन तरह के होते हैं, एक बादशाह होते हैं, दूसरे बादशाहों से डरने वाले और तीसरे वो जिनसे बादशाह भी खौफ खाते हैं। आज तक हमने अल्लाह के हुक्म से कभी बुजदिली नहीं दिखाई। सिपाहियों आज चाहे हमारे सामने डाकू आ जाए या बादशाह खुद आ जाए मैं आप लोगों से वादा करता हूँ आप उनकी आंखों में हमारा खौफ देखोगे। और आखिर में उर्ज रईस कहते हैं हमारा वादा हमारी किस्मत बन जाए क्या। इसके जवाब में सभी सिपाही कहते हैं हमारा वादा हमारी किस्मत बन जाए और हमारी जाने भी कुर्बान हो जाए। दोस्तों दूसरी जानिब एक कश्ती में कुछ लुटेरे सवार होते हैं और उन्होंने कुछ लोगों को यरगमाल बनाया होता है। दरअसल दोस्तों हम अगर इन्हें कहें ये समुद्री लुटेरे हैं तो ये कहना बुरा नहीं होगा और उन्हें लाते मार रहे होते हैं और उन पर जुल्म कर रहे होते हैं। इसके बाद उनका सरबरा कहता है कि उस्मानी कश्तियाँ यहाँ से गुजर रही है, उन्होंने हमें देखा भी है लेकिन उन्होंने अभी तक कोई भी तदाबीर नहीं रही। इसका मतलब है कि उनके जहनों में कुछ और चल रहा है। ये सुनकर वही अरगवान लोगों में से एक कहने लगता है ये मुसलमानी कश्तियों में हमलावर होने वाले हैं, हमें लाजमी कुछ न कुछ करना चाहिए, हमें अपने मुसलमान भाइयों को इन जालिम के हाथों से बचाना चाहिए। इसके जवाब में दूसरा साथी कहता है अगर हम कुछ करते हैं तो ये हमें भी खत्म कर देंगे। इसके जवाब में वो शख्स कहता है अल्लाह ही जानता है कि इन लोगों ने किस किस तरह के मंसूबे बनाए हुए हैं। अब ये लोग आपस में बातें कर रहे थे कि इसी दौरान वो लुटेरा उनके पास आ जाता है और उसके गर्दन पर तलवार रख कर कहता है तुम लोग ज्यादा बातें करते हो, अब तुम्हारी बातें खत्म करने का वक्त आ गया है। अगर तुम लोगों में से किसी के मन में भी हीरो बनने का बुखार चल रहा हो तो वो आगे आ जाए लेकिन उनमें से कोई भी आगे नहीं आता। और दोस्तों दूसरी तरफ उर्ज रईस की कश्ती पत्थरों की तरफ पहुंच जाती है और वहीं पत्थरों में कुछ लुटेरे भी छुपे होते हैं और उर्ज रईस कश्ती के किनारे पर मौजूद होते हैं। इस दौरान उनका साथी कहता है यहाँ पर तो काफी रास्ते नजर आ रहे हैं। जिसके जवाब में उर्ज रईस कहते हैं मुझे इन रास्तों से कोई लेना देना नहीं, बस हमें यहाँ से बहिफाजत निकलना चाहिए। कश्ती के तहखाने में एक बंदा सुकून से सो रहा था जो शोर की आवाज सुनकर खड़ा हो जाता है और अपने कुल्हाड़े को उठाकर हंसने लगता है। दोस्तों इस लड़के का नाम इलियास होता है। ऊपर उर्ज रईस अपनी कश्ती पर सवार होते हैं और कश्ती धीरे धीरे आगे बढ़ रही होती है। इसी दौरान पत्थरों में छिपा हुआ लुटेरा कौवे की आवाजें निकालने लगता है। ये सुनकर उर्ज रईस अपने साथी से कहते हैं तुम्हें इस हवाले से बहुत इल्म है, ये जो परिंदे की आवाज आ रही है जहाँ तक मुझे मालूम है ये परिंदे पानी में कश्ती को देखकर
फौरन इस पर निपट जाते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं कर रहे। इसकी क्या वजह है? ये सुनकर उनका साथी कहता है, ये परिंदे दरिया में एक मच्छर तक तो नहीं छोड़ते। नाजरीन, वो लुटेरा ये आवाज इसलिए निकल रहा था क्योंकि वो अपने साथियों को इस बात का इशारा दे रहा था कि सामने कोई आ रहा है। उसकी आवाज सुनकर सामने कश्ती में मौजूद उनका सरबरा लुटेरा कहता है, हमें इशारा मिल चुका है, वो हमारे करीब पहुँचने वाले हैं। थोड़ी देर बाद वो कश्ती के दूसरी जानेब नुमाया हो जाएंगे। दूसरी जानेब पुरुष रईस वाली कश्ती पर इलियास नीचे से एक लंबी छलांग लगाता हुआ ऊपर आ जाता है, जिसे देखकर पुरुष रईस कहते हैं, तुम आ गए हो इलियास, आज का काम हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होने वाला है, हमें इसके लिए हिम्मत दिखानी होगी। इसके बाद पुरुष रईस अपने एलचे से कहते हैं कि आप अपने कमरे में चले जाएं और अपने मुआवजों को भी अपने साथ ले जाएं, क्योंकि पुरुष रईस जान जाते हैं कि अब हमला होने वाला है। यह सुनकर एलचे वहाँ से रवाना हो जाता है। दूसरी जानेब लुटेरों का सरबरा अपने सिपाहियों से कहता है, अगर वो लोग हमारे इशारे पर रुक गए तो ठीक है, लेकिन अगर वो ना रुके तो हम उन्हें नेस्तो नाबूद कर देंगे। दूसरी जानेब पुरुष रईस अपने कश्ती पर सिपाहियों से कह रहे होते हैं, हर कोई अपनी अपनी पोजीशन ले ले और सब लोग खामोश हो जाएं। इसके बाद उन्हें दोबारा अलग अलग तरह की आवाजें सुनाई देने लगती हैं, लेकिन इस बार पुरुष रईस उस लुटेरे को देख लेते हैं। पुरुष रईस उसके हाथ पर एक निशान देखते हैं, जो कि मशहूर लुटेरों के हाथों पर मौजूद होते हैं। ये निशान मशहूर लुटेरों के गिरोह का निशान है। यहाँ लुटेरों का गिरोह का सरदार पुरुष रईस की कश्ती को देखकर कहता है कि मैं कश्ती नजर आ गई है। ये सुनकर उसके साथी कहते हैं कि हाँ, हमें भी वो कश्ती नजर आ रही है। ये सभी आवाजें पुरुष रईस सुन लेते हैं और अपने कश्ती में बिल्कुल सामने आ जाते हैं और लुटेरों की कश्तियों की तरफ देखने लगते हैं। इसी दौरान इलियास कहता है, यह कश्ती तो हमारे कश्ती जैसी लग रही है। जिसके जवाब में पुरुष रईस कहते हैं, यह कश्ती तो हमारी जैसी है, लेकिन कौन जाने कि इसमें किस तरह के लोग सवार हैं। इसके बाद वो कहते हैं, अब हमें लगता है कि हम इन्हें मारकर या खुद मरकर यहाँ से निकल जाना चाहिए। अगर ये हमें मारने पर तुले हैं तो हमें इनसे लड़ना होगा। इसके बाद वो अपने सिपाहियों को हुक्म देते हैं कि अपनी अपनी पोजीशन संभाल लो। ये सुनकर सभी सिपाही अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। इसके बाद पुरुष रईस कहते हैं, तो अपनी बारूद भर दिया जाए। जो ताइफ लेकर जा रहे हो वो सब मेरे हवाले कर दो, अगर तुम लोग ऐसा करते हो तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा और हम तुम लोगों को छोड़कर चले जाएंगे। जिसके जवाब में पुरुष रईस कहते हैं कि सुल्तान के ताइफ हैं, या तुम जैसे लड़कियों के हवाले हम नहीं कर सकते, मैं समुन्द्र के बादशाह हूँ, अगर तुम्हें हिम्मत है तो आकर ले लो। ये सुनकर लुटेरा कहता है, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ बादशाह कौन है। ये सुनकर पुरुष रईस कहते हैं, तुम जिस समुन्द्र के लुटेरे हो मैं उस समुन्द्र के बादशाह हूँ, मैं इस समुन्द्र में कई सालों से रहता। यह सुनकर लुटेरा अपने साथियों को पुरुष रईस पर हमले करने के लिए कहता है। यहाँ पुरुष रईस ने जिस एलची को कमरे में भेजा था वह अपने एक सिपाही से कहता है, इतनी कीमती वाइफ के साथ डाकुओं की जब में आना हमारे लिए बहुत बड़ी खयानत है, हमें किसी भी हालत में तो वाइफ उन तक पहुँचा देना चाहिए जिनके लिए ये भेजे गए हैं। इसके जवाब में उनका साथी कहता है, ये खयानत नहीं है बल्कि ये तो तिजारत है। यह सुनकर वो एलची समझ जाता है कि ये उसका साथी नहीं बल्कि लुटेरों का आदमी है। रईस उस सरदार से कहते हैं, तुमने आज तक जितने भी मजलूमों पर जुल्म ढाए हैं आज मैं उन सबको तुमसे हिसाब लूंगा।
देखकर पुरुष रईस के सिपाही उनके हक में नारे लगाने लगते हैं और बहुत ज्यादा खुशी का इजहार करते हैं। और नाजरीन, यहाँ ये एपिसोड अपने अख्तिताम को पहुँचता है। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। एपिसोड की शुरुआत में आप देखेंगे उमर के खेमे के सामने पहुँच जाते हैं। एक सिपाही उनसे कहता है, तुम अर्थरू साहब के खेमे में इस तरह दाखिल नहीं हो सकते। मंगोल कमांडर कहता है, हम लोग जहाँ चाहे और जब चाहे अपनी मर्जी के मुताबिक जा सकते हैं। तुम कौन होते हो हमें रोकने वाले? और फिर मरकजी खेमे के अंदर दाखिल हो जाते हैं। अर्थरूल भाई और उनका साथी भी आगे आ जाते हैं। मंगोल कमांडर कहता है, क्या इस कबीले का सरदार तुम हो अर्थरूल? अर्थरूल भाई कहते हैं, हाँ मैं हूँ, और तुम कौन हो? मेरे खेमे में तुम इस तरह क्यों दाखिल हुए हो? मंगोल कमांडर कहता है, पहले हमें अपने दस्तरखान पर बैठकर खाना खाने दो अर्थरूल। अर्थरूल भाई कहते हैं, हम दस्तरखान पर उनको बिठाते हैं जिनको तमीज आती हो। मंगोल कहता है, दस्तरखान चाहे कहीं भी हो, हमारा उसमें हिस्सा होता है। तुम मंगोलों के करने वाले सिपाहियों के कमांडर से बात कर रहे हो अर्थरूल? इस जमीन का मालिक अब हम हैं और तुम कुछ भी नहीं हो। यह हमारी मेहरबानी है कि तुम अभी तक जिंदा हो। अगर हम चाहें तो हम तुम्हें जहन्नुम में भेज सकते हैं। फिर वो कमांडर कहता है, लाजमी तुम काफी अमीर हो जो इतना शानदार दस्तरखान सजाया हुआ है, लेकिन गुलाब खान ने टैक्स डबल कर दिए है। अब तुम इस तरह की ज़ियाफ़त नहीं कर सकोगे। अब तुम सब यहाँ से चले जाओ, मैं अपने सिपाहियों के साथ बैठकर खाना खाऊंगा और रात को हम तुम्हारे खेमे में सोएंगे। फिर वो मंगल कमांडर खातून की तरफ देखकर कहता है, यह खूबसूरत औरत हमारी खिदमत करेगी। ये सब बातें सुनकर अर्थरूल भाई और बाकी सब लोगों को गुस्सा आ जाता है। इतने वो मंगोल इबिल की खातून की तरफ आगे की तरफ बढ़ता है। और फिर उससे कहते हैं, तुम यहाँ बिन बुलाए आए हो और तुम बदतमीजी से पेश आ रहे हो। हमारे कबीले में अगर हमारे किसी भी मेहमान की बेइज्जती करने की जरूरत की जाए तो उसके साथ ऐसा ही सलूक किया जाता है। अब तुम्हारे लिए खाने के लिए यहाँ कुछ भी नहीं है और न ही तुम्हारे सोने के लिए कोई जगह है। ये कहकर अर्थरूल भाई उसे नीचे फेंक देते हैं। मंगोल कमांडर कहता है, तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी अर्थरूल। तुमने मेरा हाथ काटा है, हम तुम्हारी गर्दन काटेंगे। अर्थरूल भाई अपने सिपाहियों से कहते हैं, इस बदतमीज को इसका हाथ देकर यहाँ से दफा कर दो। यह सुनकर सिपाही उन मंगोलों को बाहर निकालने लगते हैं। उनके जाने के बाद अर्थरूल भाई कहते हैं, आज तक हम अपने इतिहाद की वजह से इतने मजबूत हैं। ये लोग हमें खौफजदा करने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन हम इनके तकब्बुर और इसकी बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो टैक्स दुगने करके हमें खौफजदा करना चाहते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि हमारी ताकत हमारे दिलों में मौजूद ईमान है। फिर अर्थरूल भाई कहते हैं, कल मैं कौन यहाँ जाऊँगा और अमीर बावतीन के साथ टैक्स के मसले पर बात करूँगा। दूसरी जानिब सोगोत के चर्च में एक पादरी मोमबत्तियां जला रहा था। इतने में देरागोस अंदर दाखिल होता है। वो पादरी कहता है, आओ तुम कहाँ थे इतनी देर से? देरागोस कहता है, हुजूर मुझे अर्थरूल साहब ने गरीबों के लिए खाने के लिए चीजें दी थी, मैं बांटने के लिए गया था। वो पादरी कहता है, तुम इतने नरम दिल और रहम दिल हो, ये बात मुझे बहुत खुशी देती है। यहाँ आकर चंद ही महीनों में तुमने सभी के दिलों पर राज कर लिया है, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ? देरागोस कहता है, आपने पहले ही मुझे रहने के लिए जगह दी है, मैं आपके दुआ करता हूँ। पादरी कहते हैं, अब मैं चलता हूँ, तुम यहाँ सफाई कर देना और अपनी इबादत कर लेना, और हाँ अर्थरूल साहब के लिए दुआ करना बिल्कुल ना भूलना, तो मंगोलों से हमारी हिफाजत कर रहे हैं। दुरागोस कहता है, जरूर पादरी साहब, मैं हमेशा उनके लिए दुआ करता हूँ। फिर पादरी बाहर निकल जाता है। उसके जाने के बाद दुरागोस कहता है, मैं हमेशा उसकी बर्बादी के लिए दुआ करता हूँ। दूसरी जानी तय कबीले में इलबिल खातून अर्थरूल भाई के पास आती है और कहती है, मैं सूरज निकलते ही अपने सिपाहियों के साथ रवाना हो जाऊंगी। जाने से पहले मैं आपसे मुलाकात करना चाहती थी अर्थरूल साहब। अर्थरूल भाई कहते हैं, मेरा कबीला आपका कबीला है इलबिल की खातून, आप जब कभी भी सोगोत आए तो मैं आपका इंतजार करूंगा। इलबिल की खातून कहती है, आपने मेरी वजह से अपने कबीले और खुद को खतरे में डाला। इस वाकई के बाद वो खालिज मंगोल आपके लिए मुश्किलें खड़ी करेंगे। अर्थरूल भाई कहते हैं, मेरी मेहमान की इज्जत मेरी इज्जत है इलबिल की खातून, इसके लिए न मैं सिर्फ अपने आप को बल्कि पूरी दुनिया को भी आग में फेंक सकता हूँ। हमारी रिवायत यही सब कहती है। कहती है, शुक्रिया अर्थरूल साहब। फिर वो अल्लाह हाफिज कहकर बाहर निकल जाती है। दूसरी तरफ गंदूस अपने खेमे में बिस्तर पर लेटा हुआ था और उसकी आंखों में आंसू होते हैं। अर्थरूल भाई आकर एक नजर उस खेमे में देखते हैं और सबको सोता हुआ देखकर वापस मुड़ जाते हैं। इसके बाद अर्थरूल भाई बाहर अपने वालिदा के साथ बैठ जाते हैं। अर्थरूल भाई अपने वालिदा से बच्चों के बारे में काफी फिक्रमंद होते हैं कि अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा। वालिदा हायमा खाला कहती है, जैसे मैं हमेशा तुम्हें नसीहत करती आई हूँ बेटा, अब तुम
किसी औरत से शादी कर लो। इस खेमे को और तुम्हें औरत की जरूरत है। अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, जल्द मैं किसी काम की नहीं रहूंगी। ये सुनकर अर्तुल भाई काफी गमगीन हो जाते हैं। दूसरी जानब इलगली खातून एक खेमे में मौजूद होती है और अपने बाल संवारते हुए अर्तुल भाई के साथ होने वाली आखिर बातचीत के बारे में सोचकर मुस्कुरा रही थी। दूसरी जानब अगले दिन मंगोलों के ठिकाने का मंजर दिखाया जाता है। जख्मी मंगोल कमांडर को दरख्त के तने के साथ बांध दिया जाता है। फिर दूसरा मंगोल तलवार गर्म करके लाता है और उसके जख्म पर लगाता है ताकि खून रुक जाए। दूसरी जानब अर्तुल भाई कोनिया जाने के लिए रवाना होने के लिए तैयार होते हैं। इतने में उस्मान आकर कहता है, वो गलीज मंगोल पता नहीं आपके साथ क्या करेंगे बाबा, मुझे भी अपने साथ आने दें। अर्तुल भाई कहते हैं, मैं जानता हूँ तुम बहादुर और ताकतवर हो बेटा, लेकिन तुम्हारा कबीले में रहना मुनासिब है। तुम अकेले शिकार पर मत जाना, मंगोल हमारे लिए मुश्किल पैदा कर सकते हैं। उस्मान कहता है, ठीक है बाबा, मैं अपने कबीले की हिफाजत करूंगा। फिर उस्मान कहता है, कुंदुस भाई ने कल की दावत में शिरकत नहीं की, मुझे उनके बहुत अफसोस है। अर्तुल भाई कहते हैं, कुंदुस जानता है कि उसने किस किस्म की गलती की है, पहले उसे इस गलती का हिसाब देना होगा। उस्मान कहता है, आप हमेशा हमें माफ कर देते हैं बाबा, क्या आप एक बार और उन्हें माफ नहीं कर सकते? अर्तुल भाई कहते हैं, अगर इंसान की गलती उसके अपने लिए हो तो उसे माफ कर दिया जा सकता है, लेकिन अगर कोई अल्लाह के आयत की के हुदूद को तोड़ता है तो उसे माफ करने का हक हमारे पास नहीं है बेटा। तुम्हारे भाई को पहले अपनी गलती की कीमत चुकानी पड़ेगी ताकि वो शर्मिंदा होकर तौबा करे और माफी मांगे। लेकिन अगर अर्तुल भाई उस्मान को प्यार करते हैं और फिर रवाना होने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरी जानब एक मंगोल कह रहा था, तुम ठीक हो जाओगे भाई, हौसला रखो। जख्मी मंगोल सिपाही कहता है, बड़े भाई तुम मेरा इंतकाम जरूर लेना। इसके बाद उसकी गर्दन एक तरफ लुढ़क जाती है और वो वहीं मर जाता है। इसके बाद दूसरा मंगोल कहता है, मैं तुम्हारा बड़ा भाई तुमसे वादा करता हूँ, मैं उसकी दुनिया को तबाह कर दूंगा जिसने तुम्हारे साथ ऐसा किया है। इसके बाद वो खड़ा होकर सिपाही से कहता है, दो आदमी को कई कबीले की तरफ भेजो, वो छुप कर कबीले पर नजर रखे और जैसे ही अर्तुल कबीले से निकले तो फौरन हमें इत्तला दे। दूसरी जानब कई कबीले में अर्तुल भाई तैयार होकर मरकजी खेमे से बाहर निकल आते हैं और सबसे आखिरी मुलाकात करते हैं। इतने में गुंदोज अपने खेमे से बाहर निकल कर आकर अर्तुल भाई से कहते हैं, बाबा आपके रवाना होने से पहले मैं आपके हाथ को चूमकर आपको राजी करना चाहता हूँ। ये कहकर वो हाथ चूमने लगता है तो अर्तुल भाई अपना हाथ पीछे कर लेते हैं और कहते हैं, जिससे अल्लाह की रजा हासिल न हो उससे हम कभी राजी नहीं हो सकते बेटा। ये कहकर अर्तुल भाई आगे बढ़ जाते हैं और फिर इस तरह अर्तुल भाई अपने साथियों के साथ वहाँ से रवाना हो जाते हैं। इसी दौरान इलगली खातून भी रवाना होने के लिए तैयार थी और अपने सिपाही से कहती है, हमने अर्तुल के बारे में काफी मालूमात इकट्ठा कर ली है, अब हम जा सकते हैं। ये कहकर वो भी रवाना हो जाती है। दूसरी जानब सौगात में दरगोश चर्च में मौजूद था। इतने में उसका जासूस वहाँ पहुँच जाता है और कहता है, मंगोल कबीले में आए थे, उन्होंने टैक्स दुगने कर दिए हैं और अर्तुल ने मंगोलों के कमांडर का हाथ काट दिया है। दरगोश कहता है, अर्तुल ने अपने तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा लिया है, मंगोल इस मामले को ऐसा नहीं छोड़ेंगे। जब अर्तुल मंगोलों से निपट रहा होगा तो तुम बाजार के ताजिरों को उकसाकर इत्तेफाकी को बढ़ाओगे। थोड़ी देर बाद एक और आदमी अंदर आकर कहता है, उस्मान को बचाने वाली औरत का नाम इलबिलगे है और वो चौबान कबीले से है और सोगो से सामान खरीदने आई थी और उसके अलावा त्योकिलस और उसकी बेटियां काई कबीले में मौजूद है। बरागोस कहता है, हमें लाजमी त्योगुलस से छुटकारा हासिल करना होगा। तुम कबीले में चीजें खरीदने के लिए जा सकते होती हो, इस वजह से ये काम तुम करोगे। दूसरी जानब काई कबीले में आर्तुक भाई कुछ भेड़ों का मुआयना कर रहे थे, जबकि सावची एक किताब लेकर उनके साथ थे। फिर आर्तुक भाई कहते हैं, इनकी आंखें खूनी हैं और इनके मुंह से पानी निकल रहा है और इन्होंने अचानक खाना छोड़ दिया है। ये सुनकर सावची कहता है, इस बीमारी का नाम टॉक्सिनिया है आर्तुक साहब। ये सुनकर आर्तुक भाई मुस्कुराने लगते हैं और फिर कहते हैं, चलो फिर उनका इलाज करते हैं। दूसरी जानब इलबिल के अपने दो सिपाहियों के साथ जंगल में एक जगह पहुंच जाती है। एक बुजुर्ग आदमी कहता है, खुश आमदीद मेरी बेटी। इलबिल के कहती है, खुश आमदीद बाबा। फिर एक तरफ जाकर वो पूछता है, क्या तुम मेरे लिए अर्तुल और सौगत की खबर लाए हो बेटी? इलबिल के कहती है, हाँ मैं काफी सारी खबरें लाई हूँ। दूसरी जानब अर्तुल भाई का काफिला कोनिया जाने के लिए रवाना होता है। दूसरी तरफ बूढ़ा आदमी कहता है, तो सौगत का बाजार हमारी सोच से भी ज्यादा बड़ा निकला, और अर्तुल वो किस तरह का आदमी है? इलबिल के कहती है, वो एक बहादुर आदमी,
नहीं है बाबा। आसपास से कबीले और रोमी लोग उसके वफादार हैं। रोम के लोग अपने शहनशाह की बजाय अर्थरूल का हुक्म मानते हैं। अर्थरूल ने उनकी वफादारी अपने हिसाब के जरिए हासिल की है। बूढ़ा आदमी कहता है, तो वो कौन यहाँ जा रहा है? अब चीजें और भी आसान हो जाएंगी। जब वो वापस आएगा तो उसे बिल्कुल मुख्तलिफ स्वागत मिलेगा। इतने में एक और आदमी वहाँ पहुँच जाता है। बूढ़ा आदमी उससे पूछता है, क्या सुल्तान ने फरमान जारी कर दिया है? वो आदमी कहता है, जी हाँ सरदार, ये लीजिए। फरमान लेकर वो मुस्कुराने लगता है। दूसरी जानिब अर्थरूल भाई का काफिला रवा दवा होता है। मंगलवा कमांडर अर्थरूल भाई के सामने आकर कहता है कि मैंने सुना है मेरे भाई का हाथ तुमने काटा है और वो तुम्हारी वजह से मर गया है। अब देखते हैं कि तुम कितने बहादुर हो। अर्थरूल भाई कहते हैं, मैंने तुम्हारे भाई का हाथ काटा लेकिन लगता है कि तुम्हें सबक नहीं मिला। अब मैं तुम्हारा भी सर काट डालूंगा। मंगल कमांडर आकर कहता है, मैंने तुम्हें बताया था कि मैं अपने भाई का इंतकाम लूंगा अर्थरूल। अब मैं तुम्हें यहाँ जिबा कर दूंगा और फिर मैं तुम्हारे सारे कबीले को भी कत्ल कर दूंगा। इस तरह ये एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंचता है। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। एपिसोड की शुरुआत में आप देखेंगे मरकजी खेमे के सामने पहुँच जाते हैं। एक सिपाही उनसे कहता है, तुम अर्थरूल साहब के खेमे में इस तरह दाखिल नहीं हो सकते। मंगल कमांडर कहता है, हम लोग जहाँ चाहे और जब चाहे अपनी मर्जी के मुताबिक जा सकते हैं। तुम कौन होते हो हमें रोकने वाले? और फिर मरकजी खेमे के अंदर दाखिल हो जाते हैं। अर्थरूल भाई और उनके साथी भी आगे आ जाते हैं। मंगोल कमांडर कहता है, क्या इस कबीले के सरदार तुम हो अर्थरूल? अर्थरूल भाई कहते हैं, हाँ मैं हूँ, और तुम कौन हो? मेरे खेमे में तुम इस तरह क्यों दाखिल हुए हो? मंगोल कमांडर कहता है, पहले हमें अपने दस्तरखान पर बैठकर खाना खाने दो अर्थरूल। अर्थरूल भाई कहते हैं, हम दस्तरखान पर उनको बिठाते हैं जिनको तमीज आती हो। मंगोल कहता है, दस्तरखान चाहे कहीं भी हो, हमारा उसमें हिस्सा होता है। तुम मंगोलों के करने वाले सिपाहियों के कमांडर से बात कर रहे हो अर्थरूल? इस जमीन में मालिक अब हम हैं और तुम कुछ भी नहीं हो। यह हमारी मेहरबानी है कि तुम अभी तक जिंदा हो। अगर हम चाहें तो हम तुम्हें जहन्नुम में भेज सकते हैं। फिर वो कमांडर कहता है, लाजमी तुम काफी अमीर हो जो इतना शानदार दस्तरखान सजाया हुआ है, लेकिन गुलाब खान ने टैक्स डबल कर दिए है। अब तुम इस तरह की ज़ियाफ़त नहीं कर सकोगे। अब तुम सब यहाँ से चले जाओ, मैं अपने सिपाहियों के साथ बैठ कर खाना खाऊंगा और रात को हम तुम्हारे खेमे में सोएंगे। फिर वो मंगल कमांडर खातून की तरफ देखकर कहता है, यह खूबसूरत औरत हमारी खिदमत करेगी। ये सब बातें सुनकर अर्थरूल भाई और बाकी सब लोगों को गुस्सा आ जाता है। इतने में मंगल इल्बिल की खातून की तरफ आगे की तरफ बढ़ता है। और फिर उससे कहते हैं, तुम यहाँ बिन बुलाए आए हो और तुम बदतमीजी से पेश आ रहे हो। हमारे कबीले में अगर हमारे किसी भी मेहमान की बेइज्जती करने की जरूरत की जाए तो उसके साथ ऐसा ही सलूक किया जाता है। अब तुम्हारे लिए खाने के लिए यहाँ कुछ भी नहीं है और न ही तुम्हारे सोने के लिए कोई जगह है। ये कहकर अर्थरूल भाई उसे नीचे फेंक देते हैं। मंगल कमांडर कहता है, तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी अर्थरूल। तुमने मेरा हाथ काटा है, हम तुम्हारी गर्दन काटेंगे। अर्थरूल भाई अपने सिपाहियों से कहते हैं, बदतमीज को इसका हाथ देख यहाँ से दफा कर दो। यह सुनकर सिपाही उन मंगलों को बाहर निकालने लगते हैं। उनके जाने के बाद अर्थरूल भाई कहते हैं, आज तक हम अपने इत्तेहाद की वजह से इतने मजबूत हैं। ये लोग हमें खौफजदा करने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन हम इनके तकब्बुर और इसकी बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो टैक्स दुगने करके हमें खौफजदा करना चाहते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि हमारी ताकत हमारे दिलों में मौजूद ईमान है। फिर अर्थरूल भाई कहते हैं, कल मैं कौन यहाँ जाऊँगा और अमीर बावतीन के साथ टैक्स के मसले पर बात करूँगा। दूसरी
दूसरी जानब सौगत के चर्च में एक पादरी मोमबत्तियां जला रहा था। इतने में जरागोस अंदर दाखिल होता है। वो पादरी कहता है, आओ तुम कहाँ थे इतनी देर से? जरागोस कहता है, हुजूर मुझे अर्थुर साहब ने गरीबों के लिए खाने के लिए चीजें दी थी, मैं वो बांटने के लिए गया था। वो पादरी कहता है, तुम इतने नरम दिल और रहम दिल हो, ये बात मुझे बहुत खुशी देती है। यहाँ आकर चंद ही महीनों में तुमने सभी के दिलों पर राज कर लिया है, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ? जरागोस कहता है, आपने पहले ही मुझे रहने के लिए जगह दी है, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। पादरी कहता है, अब मैं चलता हूँ, तुम यहाँ सफाई कर देना और अपनी इबादत कर लेना, और हाँ अर्थुर साहब के लिए दुआ करना बिल्कुल ना भूलना, जो मंगोलों से हमारी हिफाजत कर रहे हैं। जरागोस कहता है, जरूर पादरी साहब, मैं हमेशा उनके लिए दुआ करता हूँ। फिर पादरी बाहर निकल जाता है। उसके जाने के बाद जरागोस कहता है, मैं हमेशा उसकी बर्बादी के लिए दुआ करता हूँ। दूसरी जानी कई कबीले में इलबिल खातून अर्थुर भाई के पास आती है और कहती है, मैं सूरज निकलते ही अपने सिपाहियों के साथ रवाना हो जाऊंगी, जाने से पहले मैं आपसे मुलाकात करना चाहती थी अर्थुर साहब। अर्थुर भाई कहते हैं, मेरा कबीला आपका कबीला है इलबिल खातून, आप जब कभी भी सौगोत आए तो मैं आपका इंतजार करूंगा। इलबिल खातून कहती है, आपने मेरी वजह से अपने कबीले और खुद को खतरे में डाला, इस वाक्य के बाद वो गलीज मंगोल आपके लिए मुश्किलें खड़ी करेंगे। अर्थुर भाई कहते हैं, मेरी मेहमान की इज्जत मेरी इज्जत है इलबिल खातून, इसके लिए न मैं सिर्फ अपने आप को बल्कि पूरी दुनिया को भी आग में फेंक सकता हूँ, हमारी रिवायत यही सब कहती है। इलबिल कहती है, शुक्रिया अर्थुर साहब। फिर वो अल्लाह हाफिज कहकर बाहर निकल जाती है। दूसरी तरफ गुंदूस अपने खेमे में बिस्तर पर लेटा हुआ था और उसकी आंखों में आंसू होते हैं। अर्थुर भाई आकर एक नजर उस खेमे में देखते हैं और सबको सोता हुआ देख कर वापस मुड़ जाते हैं। इसके बाद अर्थुर भाई बाहर अपनी वालिदा के साथ बैठ जाते हैं। अर्थुर भाई अपने वालिदा से बच्चों के बारे में काफी फिक्रमंद होते हैं कि अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा वालिदा। हाइमा खाला कहती है, जैसे मैं हमेशा तुम्हें नसीहत करती आई हूँ बेटा, अब तुम किसी औरत से शादी कर लो, इस खेमे को और तुम्हें औरत की जरूरत है, अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, जल्द मैं किसी काम की नहीं रहूंगी। ये सुनकर अर्थुर भाई काफी गमगीन हो जाते हैं। दूसरी जानब इलबिल खातून एक खेमे में मौजूद होती है और अपने बात संवारते हुए अर्थुर भाई के साथ होने वाली आखिरी बातचीत के बारे में सोचकर मुस्कुरा रही थी। दूसरी जानब अगले दिन मंगोलों को ठिकाने का मंजर दिखाया जाता है। जख्मी मंगोल कमांडर को दरख्त के तने के साथ बांध दिया जाता है। फिर दूसरा मंगोल तलवार गर्म करके लाता है और उसके जख्म पर लगाता है ताकि खून रुक जाए। दूसरी जानब अर्थुर भाई कोनिया जाने के लिए रवाना होने के लिए तैयार होते हैं। इतने में उस्मान आकर कहता है, वो गलीज मंगोल पता नहीं आपके साथ क्या करेंगे बाबा, मुझे भी अपने साथ आने दें। अर्थुर भाई कहते हैं, मैं जानता हूँ तुम बहादुर और ताकतवर हो बेटा, लेकिन तुम्हारा कबीले में रहना मुनासिब है, तुम अकेले शिकार पर मत जाना, मंगोल हमारे लिए मुश्किल पैदा कर सकते हैं। उस्मान कहता है, ठीक है बाबा, मैं अपने कबीले की हिफाजत करूंगा। फिर उस्मान कहता है, कुंदस भाई ने कल के दावत में शिरकत नहीं की, मुझे उनके बहुत अफसोस है। अर्थुर भाई कहते हैं, गुंदूस जानता है कि उसने किस किस्म की गलती की है, पहले उसे इस गलती का हिसाब देना होगा। उस्मान कहता है, आप हमेशा हमें माफ कर देते हैं बाबा, क्या आप एक बार और उन्हें माफ नहीं कर सकते? अर्थुर भाई कहते हैं, अगर इंसान की गलती उसके अपने लिए हो तो उसे माफ कर दिया जा सकता है, लेकिन अगर कोई अल्लाह के आयत की गई हुदूद को तोड़ता है तो उसे माफ करने का हक हमारे पास नहीं है बेटा। तुम्हारे भाई को पहले अपनी गलती की कीमत चुकानी पड़ेगी ताकि वो शर्मिंदा होकर तौबा करे और माफी मांगे। लेकिन अगर अर्थुर भाई उस्मान को प्यार करते हैं और फिर रवाना होने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरी जानब एक मंगोल कह रहा था, तुम ठीक हो जाओगे भाई, हौसला रखो। जख्मी मंगोल सिपाही कहता है, बड़े भाई तुम मेरा इंतकाम जरूर लेना। इसके बाद उसकी गर्दन एक तरफ लुढ़क जाती है और वो वही मर जाता है। इसके बाद दूसरा मंगोल कहता है, मैं तुम्हारा बड़ा भाई तुमसे वादा करता हूँ, मैं उसकी दुनिया को तबाह कर दूंगा जिसने तुम्हारे साथ ऐसा किया है। इसके बाद वो खड़ा होकर सिपाही से कहता है, दो आदमी को कई कबीले की तरफ भेजो, वो छुप कर कबीले पर नजर रखें, और जैसे ही अर्थुर कबीले से निकले तो फौरन हमें इत्तला दें। दूसरी जानब कई कबीले में अर्थुर भाई तैयार होकर मरकजी खेमे से बाहर निकल आते हैं और सबसे आखिरी मुलाकात करते हैं। इतने में गुंदूस अपने खेमे से बाहर निकल कर आकर अर्थुर भाई से कहते हैं, बाबा आपके रवाना होने से पहले मैं आपके हाथ को चूमकर आपको राजी करना चाहता हूँ। ये कहकर वो हाथ चूमने लगता है तो अर्थुर भाई अपने हाथ पीछे कर लेते हैं और कहते हैं, जिससे अल्लाह की रजा हासिल ना हो उससे हम कभी राजी नहीं हो सकते बेटा। ये कहकर अर्थुर भाई आगे बढ़ जाते हैं।
और फिर इस तरह अब्दुल भाई अपने साथियों के साथ वहाँ से रवाना हो जाते हैं। इसी दौरान इलिबिल की खातून भी रवाना होने के लिए तैयार थी और अपने सिपाही से कहती है, हमने अर्तुल के बारे में काफी मालूमात इकट्ठा कर ली है, अब हम जा सकते हैं। ये कहकर वो भी रवाना हो जाती है। दूसरी जानब चौगात में दरागोश चर्च में मौजूद था। इतने में उसका जासूस वहाँ पहुँच जाता है और कहता है, मंगोल कबीले में आए थे, उन्होंने टैक्स दुगने कर दिए हैं और अर्तुल ने मंगोलों के कमांडर का हाथ काट दिया है। दरागोश कहता है, अर्तुल ने अपने आप को बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा लिया है, मंगोल इस मामले को ऐसे नहीं छोड़ेंगे। जब अर्तुल मंगोलों से निपट रहा होगा तो तुम बाजार के ताजिरों को उकसाकर मैं इत्तेफाकी को बढ़ाओगे। थोड़ी देर बाद एक और आदमी अंदर आकर कहता है, उस्मान को बचाने वाली औरत का नाम इलबिलगे है और वह चौबान कबीले से है और सोको से सामान खरीदने आई थी और उसके अलावा चौतरस और उसकी बेटियां टाई कबीले में मौजूद है। दरागोश कहता है, हमें लाजमी त्योगुलस से छुटकारा हासिल करना होगा। तुम कबीले में चीजें खरीदने के लिए जा सकती होती हो, इस वजह से ये काम तुम करोगे। दूसरी जानी टाई कबीले में आर्तुक भाई कुछ भेड़ों का मुआयना कर रहे थे, तब के सावची एक किताब लेकर उनके साथ थे। फिर आर्तुक भाई कहते हैं, इनकी आंखें खूनी हैं और इनके मुंह से पानी निकल रहा है और इन्होंने अचानक खाना छोड़ दिया है। ये सुनकर सावची कहता है, इस बीमारी का नाम टॉक्सिमिया है आर्तुक साहब। ये सुनकर आर्तुक भाई मुस्कुराने लगते हैं और फिर कहते हैं, चलो फिर उनका इलाज करते हैं। दूसरी जानी इलबिल के अपने दो सिपाहियों के साथ जंगल में एक जगह पहुंच जाती है। एक बुजुर्ग आदमी कहता है, खुश आमदीद मेरी बेटी। इलबिल के कहती है, खुश आमदीद बाबा। फिर एक तरफ जाकर वो पूछता है, क्या तुम मेरे लिए अर्तुल और सुरगुत की खबर लाए हो बेटी? इलबिल के कहती है, हाँ मैं काफी सारी खबरें लाई हूँ। दूसरी जानब अर्तुल भाई का काफिला पौने जाने के लिए रवाना होता है। दूसरी तरफ बूढ़ा आदमी कहता है, तो सुरगुत का बाजार हमारी सोच से भी ज्यादा बड़ा निकला और अर्तुल वो किस तरह का आदमी है? इलबिल के कहती है, वो एक बहादुर आदमी है बाबा। आसपास से कबीले और रोमी लोग उसके वफादार हैं। रोम के लोग अपने शहनशाह की बजाय अर्तुल का हुक्म मानते हैं। अर्तुल ने उनकी वफादारी अपने हिसाब के जरिए हासिल की है। बूढ़ा आदमी कहता है, तो वो कौन या जा रहा है? अब चीजें और भी आसान हो जाएंगी। जब वो वापस आएगा तो उसे बिल्कुल मुख्तलिफ सौगत मिलेगा। इतने में एक और आदमी वहाँ पहुँच जाता है। बूढ़ा आदमी उससे पूछता है, क्या सुल्तान ने फरमान जारी कर दिया है? वो आदमी कहता है, जी हाँ सरदार, ले लीजिए। फरमान लेकर वो मुस्कुराने लगता है। दूसरी जानब अर्तुल भाई का काफिला रवा दबा होता है। मंगलवार कमांडर अर्तुल भाई के सामने आकर कहता है कि मैंने सुना है मेरे भाई का हाथ तुमने काटा है और वो तुम्हारी वजह से मर गया है, अब देखते हैं कि तुम कितने बहादुर हो। अर्तुल भाई कहते हैं, मैंने तुम्हारे भाई का हाथ काटा लेकिन लगता है कि तुम्हें सबक नहीं मिला, अब मैं तुम्हारा भी सर काट डालूंगा। मंगल कमांडर आकर कहता है, मैंने तुम्हें बताया था कि मैं अपने भाई का इंतकाम लूंगा अर्तुल, अब मैं तुम्हें यहाँ जुबा कर दूंगा और फिर मैं तुम्हारे सारे कबीले को भी कत्ल कर दूंगा। इस तरह ये एपिसोड अपने अख्तिताम को पहुंचता है। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। एपिसोड की शुरुआत में आप देखेंगे मरकजी खेमे के सामने पहुँच जाते हैं। एक सिपाही उनसे कहता है, तुम अर्तुल साहब के खेमे में इस तरह दाखिल नहीं हो सकते। मंगल कमांडर कहता है, हम लोग जहाँ चाहे और जब चाहे अपनी मर्जी के मुताबिक जा सकते हैं, तुम कौन होते हो हमें रोकने वाले? और फिर मरकजी खेमे के अंदर दाखिल हो जाते हैं। अर्तुल भाई और उनके साथी भी आगे आ जाते हैं। मंगोल कमांडर कहता है, क्या इस कबीले का सरदार तुम हो अर्तुल? अर्तुल भाई कहते हैं, हाँ मैं हूँ, और तुम कौन हो? मेरे खेमे में तुम इस तरह क्यों दाखिल हुए हो? मंगोल कमांडर कहता है, पहले हमें अपने दस्तरखान पर बैठकर खाना खाने दो अर्तुल। अर्तुल भाई कहते हैं, हम दस्तरखान पर उनको बिठाते हैं जिनको तमीज आती हो। मंगोल कहता है, दस्तरखान चाहे कहीं भी हो, हमारा उसमें हिस्सा होता है। तुम मंगोलों के
सर्च करने वाले सिपाहियों के कमांडर से बात कर रहे हो अर्तुल। इन जमीनों के मालिक अब हम हैं और तुम कुछ भी नहीं हो। यह हमारी मेहरबानी है कि तुम अभी तक जिंदा हो। अगर हम चाहें तो हम तुम्हें जहन्नुम में भेज सकते हैं। फिर वो कमांडर कहता है, लाजमी तुम काफी अमीर हो जो इतना शानदार दस्तरखान सजाया हुआ है, लेकिन गुलाब खान ने टैक्स डबल कर दिए हैं। अब तुम इस तरह की ज़ियाफ़त नहीं कर सकोगे। अब तुम सब यहाँ से चले जाओ। मैं अपने सिपाहियों के साथ बैठकर खाना खाऊंगा और रात को हम तुम्हारे खेमे में सोएंगे। फिर वो मंगल कमांडर इलबिल की खातून की तरफ देखकर कहता है, यह खूबसूरत औरत हमारी खिदमत करेगी। ये सब बातें सुनकर अर्तुल भाई और बाकी सब लोगों को गुस्सा आ जाता है। इतने वो मंगल इलबिल की खातून की तरफ आगे की तरफ बढ़ता है और फिर उससे कहते हैं, तुम यहाँ बिनबुलाए आए हो और तुम बदतमीजी से पेश आ रहे हो। हमारे कबीले में अगर हमारे किसी भी मेहमान की बेइज्जती करने की जरूरत की जाए तो उसके साथ ऐसा ही सलूक किया जाता है। अब तुम्हारे लिए खाने के लिए यहाँ कुछ भी नहीं है और न ही तुम्हारे सोने के लिए कोई जगह है। तो कहकर अर्तुल भाई उसे नीचे फेंक देते हैं। मंगल कमांडर कहता है, तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी अर्तुल। तुमने मेरा हाथ काटा है, हम तुम्हारी गर्दन काटेंगे। अर्तुल भाई अपने सिपाहियों से कहते हैं, बदतमीज को इसका हाथ देख यहाँ से दफा कर दो। यह सुनकर सिपाही उन मंगलों को बाहर निकालने लगते हैं। उनके जाने के बाद अर्तुल भाई कहते हैं, आज तक हम अपने इत्तेहाद की वजह से इतने मजबूत हैं। ये लोग हमें खौफजदा करने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन हम इनके तकब्बुर और इसकी बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो टैक्स दुगने करके हमें खौफजदा करना चाहते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि हमारी ताकत हमारे दिलों में मौजूद ईमान है। फिर अर्तुल भाई कहते हैं, कल मैं कौनिया जाऊंगा और अमीर बावतीन के साथ टैक्स के मसले पर बात करूंगा। जानिब सोगोत के चर्च में एक पादरी मोमबत्तियां जला रहा था। इतने में जरागोस अंदर दाखिल होता है। वो पादरी कहता है, आओ तुम कहाँ थे इतनी देर से। जरागोस कहता है, हुजूर मुझे अर्तुल से आपने गरीबों के लिए खाने के लिए चीजें दी थी, मैं बांटने के लिए गया था। वो पादरी कहता है, तुम इतने नरम दिल और रहम दिल हो, ये बात मुझे बहुत खुशी देती है। यहाँ आकर चंद ही महीनों में तुमने सभी के दिलों पर राज कर लिया है, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ। जरागोस कहता है, आपने पहले ही मुझे रहने के लिए जगह दी है, मैं आपके दुआ करता हूँ। पादरी कहते हैं, अब मैं चलता हूँ, तुम यहाँ सफाई कर देना और अपनी इबादत कर लेना, और हाँ अर्तुल साहब के लिए दुआ करना बिल्कुल ना भूलना, तो मंगोलों से हमारी हिफाजत कर रहे हैं। जरागोस कहता है, जरूर पादरी साहब, मैं हमेशा उनके लिए दुआ करता हूँ। फिर पादरी बाहर निकल जाता है। उसके जाने के बाद जरागोस कहता है, मैं हमेशा उसकी बर्बादी के लिए दुआ करता हूँ। दूसरी जानिब कई कबीले में इलमिल खातून अर्तुल भाई के पास आती है और कहती है, मैं सूरज निकलते ही अपने सिपाहियों के साथ रवाना हो जाऊंगी। जाने से पहले मैं आपसे मुलाकात करना चाहती थी अर्तुल साहब। अर्तुल भाई कहते हैं, मेरा कबीला आपका कबीला है इलबिल के खातून। आप जब कभी भी सोगोत आए तो मैं आपका इंतजार करूंगा। इलबिल के खातून कहती है, आपने मेरी वजह से अपने कबीले और खुद को खतरे में डाला। इस वाक्य के बाद वो खालिज मंगोल आपके लिए मुश्किलें खड़ी करेंगे। अर्तुल भाई कहते हैं, मेरी मेहमान की इज्जत मेरी इज्जत है इलबिल के खातून। इसके लिए न मैं सिर्फ अपने आप को बल्कि पूरी दुनिया को भी आग में फेंक सकता हूँ। हमारी रिवायात यही सब कहती है। इलबिली कहती है, शुक्रिया अर्तुल साहब। फिर वो अल्लाह हाफिज कहकर बाहर निकल जाती है। दूसरी तरफ गुंदूस अपने खेमे में बिस्तर पर लेटा हुआ था और उसकी आंखों में आंसू होते हैं। अर्तुल भाई आकर एक नजर उस खेमे में देखते हैं और सबको सोता हुआ देखकर वापस मुड़ जाते हैं। इसके बाद अर्तुल भाई बाहर अपनी वालिदा के साथ बैठ जाते हैं। अर्तुल भाई अपने वालिदा से बच्चों के बारे में काफी फिक्रमंद होते हैं कि अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा वालिदा। हाइमा खाला कहती है, जैसे मैं हमेशा तुम्हें नसीहत करती आई हूँ बेटा, अब तुम किसी औरत से शादी कर लो। इस खेमे को और तुम्हें औरत की जरूरत है। अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, जल्द में किसी काम की नहीं रहूंगी। यह सुनकर अर्तुल भाई काफी गमगीन हो जाते हैं। दूसरी जानिब इलबिल की खातून एक खेमे में मौजूद होती है और अपने बाल संवारते हुए अर्तुल भाई के साथ होने वाली आखिरी बातचीत के बारे में सोचकर मुस्कुरा रही थी। दूसरी जानिब अगले दिन मंगोलों के ठिकाने का मंजर दिखाया जाता है। जख्मी मंगोल कमांडर को दरख्त के तने के साथ बांध दिया जाता है। फिर दूसरा मंगोल तलवार गर्म करके लाता है और उसके जख्म लगाता है ताकि खून रुक जाए। दूसरी जानिब अर्तुल भाई कौनिया जाने के लिए रवाना होने के लिए तैयार होते हैं। इतने में उस्मान आकर कहता है, वो खालिज मंगोल पता नहीं आपके साथ क्या करेंगे बाबा, मुझे भी अपने साथ आने दें। अर्तुल भाई कहते हैं, मैं जानता हूँ तुम बहादुर और ताकतवर हो बेटा,
लेकिन तुम्हारे कबीले में रहना मुनासिब है, तुम अकेले शिकार पर मत जाना, मंगोल हमारे लिए मुश्किल पैदा कर सकते हैं। उस्मान कहता है ठीक है बाबा, मैं अपने कबीले की हिफाजत करूंगा। फिर उस्मान कहता है कुंदुज भाई ने कल की दावत में शिरकत नहीं की, मुझे उनके बहुत अफसोस है। अर्तुरुल भाई कहते हैं कुंदुज जानता है कि उसने किस किस्म की गलती की है, पहले उसे इस गलती का हिसाब देना होगा। उस्मान कहता है आप हमेशा हमें माफ कर देते हैं बाबा, क्या आप एक बार और उन्हें माफ नहीं कर सकते? अर्तुरुल भाई कहते हैं अगर इंसान की गलती उसके अपने लिए हो तो उसे माफ कर दिया जा सकता है, लेकिन अगर कोई अल्लाह के आयत की हुदूद को तोड़ता है तो उसे माफ करने का हक हमारे पास नहीं है बेटा। तुम्हारे भाई को पहले अपनी गलती की कीमत चुकानी पड़ेगी ताकि वो शर्मिंदा होकर तौबा करे और माफी मांगे। लेकिन अगर अर्तुरुल भाई उस्मान को प्यार करते हैं और फिर रवाना होने के लिए तैयार हो जाते हैं, दूसरी जानिब एक मंगल कह रहा था तुम ठीक हो जाओगे भाई, हौसला रखो। जख्मी मंगल सिपाही कहता है बड़े भाई तुम मेरा इंतकाम जरूर लेना। इसके बाद उसकी गर्दन एक तरफ लुढ़क जाती है और वो वही मर जाता है। इसके बाद दूसरा मंगल कहता है मैं तुम्हारा बड़ा भाई तुमसे वादा करता हूँ, मैं उसकी दुनिया को तबाह कर दूंगा जिसने तुम्हारे साथ ऐसा किया है। इसके बाद वो खड़ा होकर सिपाही से कहता है दो आदमी को कई कबीले की तरफ भेजो, वो छुप कर कबीले पर नजर रखे और जैसे ही अर्तुरुल कबीले से निकले तो फौरन हमें इत्तला दे। दूसरी जानिब कई कबीले में अर्तुरुल भाई तैयार होकर मरकजी खेमे से बाहर निकल आते हैं और सबसे आखिरी मुलाकात करते हैं। इतने में गुंदोज अपने खेमे से बाहर निकल कर आकर अर्तुरुल भाई से कहते हैं बाबा आपके रवाना होने से पहले मैं आपके हाथ को चूमकर आपको राजी करना चाहता हूँ। ये कहकर वो हाथ चूमने लगता है तो अर्तुरुल भाई अपना हाथ पीछे कर लेते हैं और कहते हैं जिससे अल्लाह की रजा हासिल ना हो उससे हम कभी राजी नहीं हो सकते बेटा। ये कहकर अर्तुरुल भाई आगे बढ़ जाते हैं और फिर इस तरह अर्तुरुल भाई अपने साथियों के साथ वहाँ से रवाना हो जाते हैं। इसी दौरान इलिबली की खातून भी रवाना होने के लिए तैयार थी और अपने सिपाही से कहती है हमने अर्तुरुल के बारे में काफी मालूमात इकट्ठा कर ली है, अब हम जा सकते हैं। ये कहकर वो भी रवाना हो जाती है। दूसरी जानिब चौगोट में दरगोज चर्च में मौजूद था, इतने में उसका जासूस वहाँ पहुँच जाता है और कहता है मंगोल कबीले में आए थे, उन्होंने टैक्स दुगने कर दिए हैं और अर्तुरुल ने मंगोलों के कमांडर का हाथ काट दिया है। दरगोज कहता है अर्तुरुल ने अपने आपको बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा लिया है, मंगोल इस मामले को ऐसा नहीं छोड़ेंगे। जब अर्तुरुल मंगोलों से निपट रहा होगा तो तुम बाजार के ताजिरों को उकसाकर मैत्रीपाती को बढ़ाओगे। थोड़ी देर बाद एक और आदमी अंदर आकर कहता है उस्मान को बचाने वाली औरत का नाम इलबिरगे है और वो चौबान कबीले से है और सोगो से सामान खरीदने आई थी और उसके अलावा चौकलस और उसकी बेटियां काय कबीले में मौजूद है। बड़ा दोस्त कहता है हमें लाजमी त्योगुलस से छुटकारा हासिल करना होगा, तुम कबीले में चीजें खरीदने के लिए जा सकती होती हो, इस वजह से ये काम तुम करोगे। दूसरी जानिब काय कबीले में आर्टुक भाई कुछ भेड़ों का मुआयना कर रहे थे, डॉक्टर साहब की एक किताब लेकर उनके साथ थे। फिर आर्टुक भाई कहते हैं इनकी आंखें खूनी हैं और इनके मुंह से पानी निकल रहा है और इन्होंने अचानक खाना छोड़ दिया है। ये सुनकर सावची कहता है इस बीमारी का नाम टॉक्सीमिया है आर्टुक साहब। ये सुनकर आर्टुक भाई मुस्कुराने लगते हैं और फिर कहते हैं चलो फिर उनका इलाज करते हैं। दूसरी जानिब इलबिल के अपने दो सिपाहियों के साथ जंगल में एक जगह पहुंच जाती है। एक बुजुर्ग आदमी कहता है खुश आमदीद मेरी बेटी। इलबिल के कहती है खुश आमदीद बाबा। फिर एक तरफ जाकर वो पूछता है क्या तुम मेरे लिए अर्तुरुल और सोगत की खबर लाई हो बेटी? इलबिल के कहती है हाँ मैं काफी सारी खबरें लाई हूँ। दूसरी जान लेकिन इस सीरीज में ऐसी क्या खास बात है जिसकी वजह से ये सीरीज रिलीज से पहले ही हिट साबित हो रही है।